horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder. See the horizon, turn us to thousands.
superhero.
I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the हेलो गाइस, वेलकम बैक, स्वागत। हम लोग फिर से आ चुके हैं यार। ये ग्लिचेस ना क्या करें, किसी तरीके से सही हुआ है। उसी वजह से थोड़ा सा वो इशू फेस करना पड़ा, बट कोई बात नहीं। अभी के लिए हम लोग वापस आ चुके हैं। सामने टीम 2 के प्लेयर्स नजर आ रहे हैं जरूर। कुछ फाइट्स हमने जरूर छोड़ी है, बट कोई बात नहीं, अभी के लिए हम वापस आ चुके हैं। होल्ड अ सेकंड, में जरा चैट देख लेता हूँ यार, क्या करूँ। अगर किसी के पास दो दो फोन ना हो, लाइक मेरे पास तो दो दो फोन है, काम चल जाता है किसी तरह करके। एक फोन में नहीं तो दूसरे फोन में तो चलेगा ऐसे ही। किसी के पास अगर कोई सिंगल फोन रखा हो तो भाई फिर तो उसके लगने वाले हैं अच्छे से। भाई जब लोग चैट पे आ जाओ फटाफट, मैं चैट भी पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे जरूर। अगर साउंड सुनो जरा अपना, हाँ चलो। बट साउंड क्यों नहीं आ रहा है, साइलेंट है क्या? एक सेकेंड, साइलेंट तो नहीं है यार। बट बट साउंड क्यों नहीं आ रहा भाई, मुझे साउंड नहीं आ रहा। गेम के अंदर साउंड आ रहा है क्या? ओके गाइस, सो साउंड हमारा आ चुका है। चलो सबसे पहले स्लॉट नंबर 2 पे हमें जो क्लियर कब से डिस्प्ले पे नजर आ रहे हैं उनको तो सारे लोगों ने देख ही लिया होगा। मैं बढ़ूंगा दूसरी टीम्स की तरफ, दूसरे प्लेयर्स की तरफ। यहाँ पे जोन सिंक हो चुका है और एक और जोन हमें देखने मिलेगा। अभी फर्स्ट जोन ही हमारा जस्ट एंड हुआ, सेकेंड जोन स्टार्ट होने वाला जस्ट 2 मिनट 40 सेकेंड के अंदर। बट बात करें फ्लिकर की, है जरूर व्हीकल को बग्गी को यहाँ पे टक्कर मारते हुए नजर आ रहे हैं हमें। चलिए काफी सारी टीम्स हमें जोन के बाहर देखने मिलेगा। यहाँ पे एक फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है, इंगेज हो चुकी है जरूर यहाँ पे 3x8 के प्लेयर्स की। जरूर यहाँ पे 3 फिनिशर्स निकाल चुके 3x8 के प्लेयर्स। और अगर बात करें अभी भी 3x12 के प्लेयर्स को भारी पड़ते हैं कि तीनों के तीन प्लेयर्स को मैच से बाहर करेंगे। एफटी की बात है, एफटी टॉक्सिक फॉल बैक करने की कोशिश करना चाहेंगे यहाँ से। भगत उन्हें पता है कि हमें फॉल बैक करना ही ज्यादा बेहतर होने वाला उनके लिए, तो चलिए कहीं ना कहीं जोन के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करना चाहेंगे। जस्ट बगल में 3x20 के प्लेयर्स भी नजर आएंगे, यू आर नोबी सेल्सियस के अरनोबी हैं शायद, यू आर नोबी नहीं, ओके सेल्सियस के अरनोबी भी अकेले ही नजर आ रहे हैं हमें। हीलिंग इन्हें भी करना पड़ेगा, दोनों ही प्लेयर्स सोलो मैन सर्वाइवल, देखते हैं व्हाट दे कैन डू अकेले अकेले होकर के। या दूसरी वगैरह बात करें हम तो टीम डीडी के इंजीनियर यहाँ पे जरूर नजर आएंगे। ओके क्या ग्लिच है, कुछ तो ग्लिच है यार, बीच में आएगा ग्लिचेस को कुछ कह नहीं सकते। आईफोन है फिर भी ग्लिच हो रहा है, बताओ।
एक तरफ रहने वाली टीनो नाइन के प्लेयर्स, दूसरी तरफ हमें गॉड गॉड एक्स के अविरल, अविरल ही लिखा ना, अवायरल लिखे हैं क्या, बेहतरीन इस पर नॉक कर सकते थे लेकिन स्मोक किया उन्होंने फॉल बैक करने के लिए, पीछे जाएंगे और इनके प्लेयर्स के साथ व्हीकल के साथ निकलेंगे, चलिए अच्छी बात है। दूसरी तरफ मैं भी बढ़ना चाहूंगा, मैं जरूर देखता हूँ क्या फाइट हो रही है, नहीं फाइट में इंगेजमेंट जो कि अभी टीम्स को ही नहीं दिखाई, टोटल 15 टीमें हैं, मैं देखना चाहूंगा कौन सी टीम रहने वाली जो मैच से बाहर हुई। टीम नंबर 4 की बात करें, टीएनजी के रेड ओपी मैच से बाहर हो चुके हैं, साथ ही साथ टीएनजी के सचिन भी हमें मैच से बाहर देखेंगे वहीं बचा, अगर दूसरी तरफ देखें तो स्कैरी के टीम्स भी हमें मैच के बाहर नजर आएंगे। और ये रही मैनेजमेंट ग्रुप से कोई अगर देख रहा तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, एनजे अगर आप देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी लॉबी, टोटल सिर्फ और सिर्फ दो टीमें रहने वाली जो मैच से बाहर मिलेंगी, उनके पास फिनिशेस हमारे पास आई थिंक देखने मिल रहे हैं, टीम स्कैरी के पास सिर्फ एक फिनिश थे और वही उनके पास एक पॉइंट रहने वाले हैं, बाकी तो जीरो पॉइंट प्लेसमेंट पॉइंट लेके जाते हुए नजर आएंगे हमें। चलिए अभी की अगर बात करें तीन वर्ड 12 के जो प्लेयर्स हैं टॉक्सिक हैं वो कहीं ना कहीं बीचों बीच फंस चुके हैं, तीन वर्ड 6 के प्लेयर्स के देखते हैं यहाँ पे टॉक्सिक व्हाट ही कैन डू सोलो मैन सर्वाइविंग के लिए, 1v4 की फाइट रह सकती है चारों के चार पे, ओके चलिए बैठ चुके हैं किसी न किसी तरीके से, यहाँ पे प्लेयर्स तो यहाँ से जा चुके हैं, अगर टीम नंबर 6 के प्लेयर्स यहाँ पे स्लैमिंग देते तो इजीली यहाँ पे एक फिनिश जो है फ्री किल के तौर पे मिल जाता उन्हें, बट चलिए आखिरकार टीम नंबर 20 के प्लेयर्स के साथ फाइट हमें देखने मिल सकती है, इनके सामने चारों के चार प्लेयर्स जाते हुए जा रहे हैं, देखते हैं क्या कौन से प्लेयर वो रहने वाले जो ज़्यादा अग्रेसिवनेस नेचर के रहने वाले हैं। गॉडेस की बात करें वो भी यहाँ पे रुकने की कोशिश किया था उन्होंने लेकिन बग्गी लेकर के यहाँ से रुकने की बिल्कुल भी फराक में नहीं है, अभी उन्हें फाइट लेने का बिल्कुल भी मूड नजर नहीं आ रहा जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बाकी की टीम्स की बात करना चाहूँगा मैं, देखता हूँ उनकी तरफ उनका क्या यहाँ पे रहने वाला है, क्या मनसूबा हमें देखने मिलेगा इनकी तरफ से। कंपाउंड्स की बात करें अभी तो इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि हर एक टीम जो है हर एक टीम क्या एक इवन एक एक प्लेयर जो है अलग अलग रूम पे रह सकते हैं, बट थोड़ी ही देर बाद जैसे हमारा ये सर्कल जो श्रिंक होने वाला, श्रिंक होने के बाद जब थर्ड जोन हमारा स्टार्ट होने वाला रहेगा तब हमारा एक शिफ्ट देखने मिलेगा जोन का, अगर एक शिफ्ट जो है बिल्कुल ही आउटसाइड में देखने मिले, लाइक अगर बात करूँ मैं स्कूल के अपार्टमेंट रहेगा तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग चलेगी, बहुत ज़्यादा कैंपिंग चलेगी, बट मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा सर्कल बने वो बने यसना पोलियाना मेंशन एंड स्कूल के जो सामने वाला जो एरिया जहाँ पे हमें ड्रॉप दिख रहा है ये एरिया, लाइक ये एरिया जो है ये एरिया अगर जोन के जोन बने यहाँ पे जोन बने तो काफ़ी मज़ा आएगा, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड्स काफ़ी कम मिलने वाले टीम्स को, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, फाइट जो होगी तब मज़ा आएगा। गॉड एक्स ओपी बिल्कुल, आर्यन सिंह बिल्कुल बताया गॉड एक्स ओपी, अभी भी गॉड एक्स के प्लेयर्स हमारे मौजूद हैं। डेड स्टैक गेमिंग टीम वाइट डेविल्स ओपी, वाइट डेविल के नाम से कौन सी टीम है ब्रदर, मैं देख लूं एक बार, विल बी एनएफ सेल्सियस, चलो टीई के प्लेयर्स की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे नॉक्स भी निकाले जा रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या कहते हैं, टीई के प्लेयर भी नॉक आउट हो चुके हैं कहीं ना कहीं, बात करें टीम नंबर 8 के प्लेयर्स, टीम नंबर 8 के दो प्लेयर्स नॉक आउट हो चुके हैं, दो प्लेयर्स एजेक्स बचे हुए हैं, देखिए एजेक्स क्या करते हैं, ओके एजेक्स यहाँ पे एजेलेक्स नाम है साथ, अबे यार क्या ही नाम पड़ रहा है, जाइलेक्स है यहाँ पे, जरूर व्हीकल लेके निकलने की कोशिश करना चाहेंगे, यहाँ पर फाइट चल रही है पता है, और अगर व्हीकल यहाँ पे स्मोक के अंदर चलाते हैं तो जाहिर सी बात है मैच से बाहर कर सकते हैं, लेकिन टीम 20 के प्लेयर्स यहाँ से फॉल बैक करना चाहेंगे, बिल्कुल फॉल बैक करेंगे, चलिए जोन हमारा थोड़ा सा जैसा मेरा चाहता था जब मैं वैसा ही जोन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं देखने मिला, बट प्लेयर जो हैं उतने ज़्यादा जो हमें दिखाई नहीं देंगे, जोन के अंदर कुछ टीमें नज़र आ रही है हमें। आर्यन लड्डू कैसा है टीएनजी में, अरे कौन सा लड्डू खिला रहे हो आर्यन, व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, कौन सा लड्डू कौन खा रहा है जरा मुझे भी तो पता लगे, मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन सा लड्डू है, शादी का लड्डू है क्या, साधु का लड्डू जो खाए वो बचता है जो ना खाए वो भी बचता है ऐसा कुछ था क्या। मेहुल भाई अगर तुम स्ट्रीम देख रहे थे बताओ कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं अरे यार ये नहीं, स्लॉट 3 डेड सेक गेमिंग बिल्कुल, स्लॉट नंबर 3 की तरफ मैं बढ़ूंगा यहाँ पर, उससे पहले देखते हैं भाई फाइट, अभी यार आजा स्लॉट नंबर 15 की बात करें, 15 आईएनफ्लेक्स आईएनएफ के प्लेयर्स की फाइट हो रही है यहाँ पे, जरूर दो प्लेयर नॉकआउट होते हैं भाई, फिर बात करें बिल्कुल सलमान 3
आज पे लेस 3 के सलमान के यहाँ पे जरूर ईयूबीयू लॉर्ड आएंगे जरूर, नया मैच काफी ज्यादा नॉकआउट देंगे। इसी के साथ मैच से बाहर किए, काफी बेहतर यहाँ पे आए थे, एंट्री काफी खतरनाक थी उनकी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें मैच से बाहर होना पड़ा। तीन नंबर कोटिंग के प्लेयर्स मैच से बाहर करें काफी बेहतर, लेकिन एक कैपेबिलिटी जो मैं देखने मिलेगी जो राधे के रूप में यहाँ पे राधे एपी जो रहेंगे उनके रूप में मैच से बाहर, जो उनके रूप में कैजुअलिटी में देखने मिलेगी। बट शॉट्स आ रहे हैं 3-2 की तरफ से, यहाँ पे टीम DFX की तरफ से हमें देखने मिलेगा। ओके चिकन फ्राई यहाँ पे जरूर चिकन की तलाश में नजर आएंगे, नाम चिकन फ्राई है, नॉकआउट कर दिया है, कंफर्म करने पूरी कोशिश करना चाहेंगे। प्लेयर सामने दिख रहा है, आई थिंक वहाँ पे स्मोक है क्या? नो स्मोक तो नहीं है, शॉट कनेक्ट सकते हैं जी। यहाँ फ्राई जो है चिकन फ्राई मैच से, ओके लफी है, लफी ने मैच से बाहर किया एक प्लेयर को, चिकन फ्राई स्मोक कर दिया गया, चिकन फ्राई के हाथों में आने वाले नहीं है। टीम इनॉक्सियस, टीम देखो इनॉक्सियस ब्रदर स्लॉट बता दिया करो, ऐसे ढूंढने में बहुत टाइम लगता है यार, मेरे को नाम पढ़ना पड़ेगा ना, आप स्लॉट बता दोगे मैं डायरेक्ट स्लॉट पे ले जाऊंगा। देखो मुझे ऐसे में नहीं मिल रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लेट हो गया, मैं ऐसे बाहर हो चुकी थी मैं INX से। यस हो सकता है ब्रदर स्लॉट बताओ। आर्यन मेहुल भाई का तो रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। मेहुल भाई मैंने कुछ पूछा है कितने बच्चे हैं, आर्यन तुम बता दो भाई क्या लगता है कितने बच्चे होंगे मेहुल के। चलो शॉट्स आएगा काफी बेहतर, यहाँ पे चिकन फ्राई की बात करें, चिकन फ्राई थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा, इनका हेलमेट लेवल 3 का वो डैमेज हो चुका है, बट इनके पास व्हीकल ओके, काफी अमीर आदमी लग रहे हैं जरूर चिकन फ्राई यहाँ पे। इनकी गन भी फिर तो अपग्रेडेड होगी, हो सकता है मेरा जो रिसोर्स पैक डाउनलोड ना हो, बट कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ द जोन की अभी के लिए बात करें तो 3-20 के प्लेयर जरूर हमें सेंटर ऑफ द जोन को होल्ड किए हुए नजर आएंगे। और एक और से, ओके काफी बेहतर, लगभग ज्यादा ही सेंट्रलाइज हो चुका है, और मैं नेक्स्ट जोन चाहूंगा कि स्कूल का जो एरिया है उसको छोड़ करके थोड़ा सा आगे साइड आ जाए, यहाँ पे जो थोड़ा सा हमें नॉर्दर्न साइड का जो एरिया दिख रहा है, नॉर्दर्न ईस्ट का जो एरिया है जहाँ पे 3-20 एंड कौन से प्लेयर टीम है, ओके 3-18 के प्लेयर्स, ये साइड जो एरिया बने ताकि कंपाउंड कोई भी मैं जोन के अंदर देखने ना मिले, तब वहाँ पे मजा आएगा, रेजर्स की फाइट होगी, प्रोन होंगे, वहाँ पे मजा आएगा वो फाइट देखने को। देखो मेहुल का रिप्लाई अभी भी नहीं आ रही, मेहुल चला गया साथ लग रहा है, बुरा मान गया क्या मेहुल? चलिए बीच की बात करें, बीच ने एक बेहतरीन नॉक निकाल दिया, बीच की तरफ बढ़ना चाहूंगा, यहाँ पे नॉकआउट करेंगे, इसी के साथ कंफर्म करेंगे एक और प्लेयर को। 3-3 के प्लेयर्स मैं देख ही रहा था, थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था 3-3 को देखो रशद नॉकआउट पड़े हैं। आशु एसके की बात करें, आशु एसके सोलो मैन सर अभी देखते हैं व्हाट ही कैन डू, अब बाकी टोटल 4 फिनिशेस इनके खाते में इनके पास आएंगे जरूर, जिसमें से अगर मैं बात करूँ फिनिशेस की तो 3 फिनिश हमें रशद की तरफ से आएंगे, एक फिनिश जो है फिनिश की तरफ से आएंगे, बट अभी के लिए रशद आशु आशु एसके की बात करें उनकी तरफ से कोई फिनिश हमें देखने मिलेगा। देखते हैं बहुत जल्द एक और फाइट एंगेजमेंट होने वाली यहाँ पे जो नॉकआउट किया, बट अभी के लिए उनको कंफर्म नहीं करें, आई डोंट नो व्हाई। थोमा की बात करें, थोमा 26 लूट करते नहीं आ रहे, गिरा के वापस लूट करेंगे, सामने रहेंगे 3-6 के प्लेयर्स। आर्यन देखो तुम्हारी टीम की फाइट यहाँ पे होती हुई जा सकती है, जिसको सपोर्ट कर रहे थे थोड़ी देर पहले गॉडेक्स ओपी वाला था ना, अब देखते हैं यहाँ पे गॉडेक्स ओपी वाला परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, सामने रहेंगे टीम DFX प्लेयर्स, DFX वर्सेस गॉडेक्स, देखते हैं यहाँ पे क्या कमाल दिखाएंगे गॉडेक्स के जो प्लेयर है, यहाँ पे देखना गन शॉट आ चुके हैं काफी ज्यादा क्लोज, इनके सामने रहेंगे हितेश, हितेश के स्पॉट कर सकते हैं, नॉकआउट कर सकते हैं, डैमेज काफी ज्यादा होगी, लेकिन शायद अगर मैं बात करूँ फ्लिकर को स्पॉट किसी ने किया, फ्लिकर नॉकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जरूर, दोनों ही प्लेयर्स को स्पॉट किया यहाँ पे, फ्लिकर अपनी DP का बेहतरीन यहाँ पे इस्तेमाल। ओके चीफ की बात करें, चीफ यहाँ पे व्हाट AFK पड़े हैं क्या, इतनी शॉट्स आ रहे हैं वो वहां से उठने का नाम नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट कहीं ना कहीं डेविल की बात करें, डेविल ने एक नॉक निकाल दिया है, 3-70 के प्लेयर्स की भी फाइट हो रही है, मैं डेविल की तरफ देखना चाहूंगा, डेविल दो प्लेयर्स मौजूद रहेंगे, डेविल के साथ साथ रॉपी भी रहेंगे, रॉपी के साथ साथ डेविल भी मौजूद रहेंगे, और वहीं पर 3-9 के प्लेयर्स भी आ चुके हैं फाइट में, इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन इससे पहले गॉडेस की बात करना चाहूंगा, गन शॉट को एलिमिनेट किया गया, मैं से बाहर किया गया, अवायरल की बात करें, अवायरल का नॉकआउट किया गया है, काफी बेहतरीन यहाँ पे नॉक निकाला 3-2 के प्लेयर्स ने, देखते हैं क्या कहता है 3-2 के बाद एक और प्लेयर को मैं से बाहर कर सकते हैं, रैगनार को नॉकआउट करेंगे, चिकन फ्राई यहाँ पे काफी बेहतरीन फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन व्हीकल को ब्लास्ट कर उन्हें पता नहीं कि प्लेयर कहाँ पे स्मोक हो रखा है यहाँ पे, 3-2 के प्लेयर्स ओके, 3-1 ओ एक और प्लेयर का नॉकआउट करते हैं, बेहतरीन स्प्रे देंगे ओके, काफी ज्यादा डैमेज कहा है यहाँ पे बात करें, 3-6 के प्लेयर्स को क्या बट ओके बचे हुए अभी तक मैच से बाहर नहीं हुए, टेम्परेरी कवर बनाना चाहेंगे अपने लिए जरूर यहाँ पे गॉडेस के चीफ, बट 3-2 की बात करें चारों के चार प्लेयर्स के साथ मौजूद रहेंगे, मल्टीपल फाइट अदर सेम टाइम स्टार्ट हो चुकी, बीच के प्लेयर्स भी यहाँ पे फाइट में गेंद पर दिखा रहे, नॉक भी निकालेंगे 3-8 के एक प्लेयर यहाँ पे, एक कैजुअल भी 3-1 की तरफ से देखने मिलेगा, जोन के अंदर डायरेक्ट एंट्री लेने की कोशिश करना चाहेंगे यहाँ पे जरूर, लेकिन काफी ज्यादा व्हीकल डैमेज हो चुके, अगर ब्लास्ट होती वैसे बाहर होना पड़ सकता है इन्हें, लेकिन चलिए काफी चालाक जोन के अंदर आएंगे, ट्रैक है
अंदर बैठेंगे हमें गॉडेस की बात करें, गॉडेस को फॉल बैक करना ही बेहतर रहेगा अभी के लिए, डिसीजन के लिए सही रहने वाला। टीनो 2 की बात करें वो शॉट लेते हुए अभी भी नहीं जा रहा, टीनो 20 के प्लेस में गॉडेस से चीप को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया। अब वायरल की बात करें नॉकआउट है, गॉडेस के चीप को भी नॉकआउट कर दिया है। अब बचेंगे गॉडेस रोको ओपी, देखते हैं यहाँ पर रोको ओपी क्या कमाल दिखाएंगे। मेहुल भाई की शादी नहीं हुई है, हाँ भाई कैसे हो गई, कोई लड़की नहीं दे रहा मेहुल भाई को है कोई लड़की नहीं दे रहा है। आर्यन क्या बोलोगे अपने टीम के लिए, कुछ बोलना चाहोगे यहाँ पे सपोर्ट के लिए कुछ कहना चाहोगे कि यार नहीं कहना चाहोगे। सोलो मैन सर अभी यहाँ पे रोको ओपी बचेंगे यहाँ पे, तो टेन की तरफ चलना चाहूंगा जरूर। सिंपल टिम्पल की बात करें अपने आप को हील करते हुए नहीं आ रहा, ड्रॉप के ऊपर बैठे ओके स्मोक करके सामने रहेंगे टीनर टू के प्लेयर, थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन काफी बेहतरीन यहाँ पे चिकन फ्राई का ग्रेनेड आएगा, नॉक आउट करेंगे एक और नॉक निकल के आप पीछे से थर्ड पार्टी का सिनेरियो में देख रहे मिलेगा, टीनर फाइव के प्लेयर लेकिन टोमा को नॉकआउट करेंगे यहाँ पे। क्या नाम है भाई जो भी है, इजियर इरेजर नाम है कुछ तो नाम है, नॉकआउट करेंगे लेकिन कंफर्म हितेस करेंगे इसी के साथ, टोमा को कंफर्म करेंगे हितेस काफी बेहतरीन यहाँ पे टीनर फाइव के प्लेयर। एक और प्लेयर यादव भी नॉकआउट है, योदा योदा नॉकआउट पड़े यहाँ पे। बीस स्टीव की बात करें, स्टीव अगर ये ग्रेन आता है इजिली सिंपल टिम्पल को नॉकआउट किया, बस एडजस्ट कर दे एवं ही अगर स्प्रे दे देते हैं स्मोक के अंदर तो एक फिनिश एक्चुअली दो फिनिश मिल जाते हैं उनको, लेकिन अभी भी यादव की बात है यादव ओके सिंपल टिम्पल ने काफी बेहतर स्मोक के अंदर क्लच दिखाया। टीम टू के प्लेयर आ चुके हैं स्मोक के अंदर ही, दोनों के दोनों प्लेयर ध्रुव भी आएंगे फ्लिकर आएंगे दोनों को मैं से बाहर करेंगे। वहीं बीस स्टीव की बात करें वो अभी भी स्टिल सर्वाइविंग, बेहतरीन ग्रेनेड आएगा यहाँ पे और नॉकआउट किए जाएंगे काफी होते हैं। फ्लिकर की बात करें फ्लिकर को रिवाइव देना आई थिंक पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज जोन के अंदर जाना जरूरी है, जोन के अंदर रहेंगे स्टीव वो चीज कमाल दिखा सकते हैं। और तो इसी के साथ टीम टू के प्लेयर का एलिमिनेशन होगा, स्टीव ने सबर किया सबर का फल मीठा होता है, स्टीव को उस चीज का फल मिला यहाँ पे जरूर, बेहतरीन फिनिशेस निकाले हैं एक फिनिश मिले शायद इनको। लेकिन बात करना चाहूंगा टोटल फिनिशेस की, लुक एट देयर फिनिशेस, टोटल 10 फिनिशेस हो चुके हैं इनके पास, हैशटैग एटर आ चुके हैं, तीन फिनिशेस में से स्टीव के खाते से आते हुए अपने टीम के लिए। टीम 14 की बात करें 14 के एलबी के जो पावर है वो हमें नजर आएंगे जरूर, ग्रेनेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बट वहीं पे गॉडेस की फ्लेयर की बात करें ओके गॉडेस के रोको अभी तक बचे हुए हैं, अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, हैशटैग 7 तक अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं, देखते कहां तक सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। क्या बोलूं भाई परफॉर्मेंस नहीं आई कोई नहीं सबर रखो परफॉर्मेंस आएगी, हैशटैग 3 तक भी आ गए ना तो फिनिश पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, उतना जो प्लेसमेंट पॉइंट है उतना पॉइंट मिल जाएगा कि फिनिश पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट मैच उम्मीद करता हूँ कि अच्छे खेलेंगे वो लोग, थोड़ा सा होल्ड करके खेलेंगे, जोन को पहले प्रेफर कराओ ना, टीम को बोलो कि वो पहले प्रेफर करें। स्टीव की बात करें स्टीव यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाह रहे हैं, स्टीव शिकार हो सकते हैं यहाँ पे जरूर, और पावर ने थोड़ी गलती की यहाँ पे स्कोप करके क्योंकि काफी ज्यादा क्लोज थे, स्कोप ना भी करते तो भी चल जाता। एक और प्लेयर आ रहे हैं सामने से उनको नॉकआउट कर सकते हैं, उससे पहले टीम नंबर 5 के प्लेयर यहाँ पे इजियर सीजर लिखा है क्या ओके सीजर यहाँ पे नॉकआउट किया, लेकिन उन्हें भी काफी बेहतरीन रंगबाज यहाँ पे नॉकआउट किया, काफी बेहतरीन नॉक निकल गया, सॉरी आज ब्रदर गॉड्स सिक्सेस के रंगबाज हैं यार, सॉरी नाम गलत दे दिया, एडजस्ट करना चाहेंगे लेकिन अभी भी स्मोक के अंदर ही है और इसी के साथ काफी बेहतरीन एडजस्टमेंट हमें देखने मिलेगा रंगबाज की तरफ से, प्यूरस नॉकआउट रंगबाज यहाँ पे रंगबाज ही दिखाते हुए जा रहे हैं अपने प्लेयर को बचाने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे, देखते हैं वॉट ही कैन डू क्योंकि प्लेयर इनके नॉकआउट पड़े हैं, प्लेयर बचे देंगे प्लेयर थोड़ा सा पीछे देंगे अपने व्हीकल के साथ स्मोक करके अपने आप को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश, 44 मीटर में भी जोन के अंदर जाना है वहीं पर रंगबाज की बात करना चाहूंगा, काफी बेहतरीन यहाँ पे अपनी टीम को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, जोन भी आ चुका है बिल्कुल एज ऑफ द जोन पे रहेंगे अगर जो स्प्रे देती है कोई भी यूनाइटिंग प्लेस स्मोक में जरा सा भी एडीएस लेकर के जरा सा भी स्प्रे दे देना तो नॉक निकल कर आता है, लेकिन उससे पहले सीजर यहाँ पे जरूर रिवाइव करने की कोशिश करना चाहेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करो गॉडेस के रोको यहाँ जरूर फंसे हुए नजर आएंगे, देखते हैं क्या कमाल दिखाएंगे। टीम नंबर किल्स कितने हैं गॉडेस के, 0 फिनिशेज हैं ब्रदर आर्यन ब्रदर, टीम 18 को दिखाओ, बिल्कुल टीम 18 की ही फाइट चल रही है यहाँ पे जरूर देख रहा हूँ मैं, टीम 18 की अगर बात करें INX स्पाइडी की बात करें स्पाइडी ऊपर बैठे हैं, स्पाइडी के लिए अगर एक ट्रेवल का इस्तेमाल किया जाए तो जाहिर सी बात है मैं से बाहर हो सकते हैं, लेकिन वहीं पर स्लेयर भी आएंगे देखते हैं यहाँ पर रोको क्या कमा देगा, रोको 1v1 की फाइट रह सकते हैं लेकिन 1v3 की फाइट रहेगी, रोको बेहतरीन एक नॉन निकालेंगे सामने से, प्लेयर आएंगे बेहतरीन 1v2 निकालेंगे, थोड़ा सा कठिनाई सामना करना पड़ रहा और बेहतरीन लोड करेंगे सामने प्लेयर आएंगे 1v3 बेहतरीन यहाँ पे फिनिश किया जाएगा, शॉट आ रहे हैं एक आखिरी प्ले बचेंगे टीम नंबर 18 की तरफ से, वो पीछे हैं काफी ज्यादा, देखते हैं क्या जनरल हील कर पाएंगे, रोको हील कर पाएंगे, जी हाँ रोको हील कर चुके, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा डैमेज खाएंगे जरूर ओके, लेकिन फिनिशिंग के चोरी बट 1v3 का जो क्लच है प्लेयर को स्पॉट कर लिया, शॉट आएंगे डोनले के नीचे के साथ में सवार के अंदर, यहाँ पे जनरल की पोजीशन पता नहीं थी, काफी बेहतरीन यहाँ पे क्लच दिखाया, ये रहा था परफॉर्मेंस, ये था गॉडेस का परफॉर्मेंस, आ रहे हैं ना खुश मत होना काफी बेहतरीन 1v3 क्लच निकाला था लेकिन कुछ जोन का जो एक एडवांटेज था वो इनके पास नहीं था और कहीं ना कहीं बीच फंसे हुए दोनों ही प्लेयर चारों तरफ से फाइट लेंगे,
मैच से बाहर करेंगे इसी के साथ। काफी बेहतरीन टीम 60S का चिकन ने, सॉरी औरंगाबाद, मैंने थोड़ा सा नाम गलत पढ़ लिया था, बट कोई बात नहीं, कई बार ऐसे पटांग नाम लिख लेते हैं ब्रदर, तो मुझे लगा ऐसे लिखेंगे, बट कोई नहीं। कंग्रेचुलेशन 360S फॉर दिस ब्यूटीफुल विन इन द चिकन डिनर विद 6-1, 7-4, 11 फिनिश के साथ, काफी बेहतरीन। आई थिंक यहाँ पे जो ओवरऑल एमवीपी निकल के आएंगे वो फिनिशेस 6 फिनिश दिख रहा है प्लेयर का। तो चलिए क्या क्या बोलते हैं पब्लिक, ओवरऑल एमवीपी भी देख लिया जाए, स्क्रीन शॉट ले लेना एनजे स्ट्रीम से, मैं स्ट्रीम में थोड़ी देर के लिए दिखा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि प्लेयर ही निकल के आएंगे ओवरऑल एमवीपी, बाकी और किसी के साथ फिनिशेस उतने ज्यादा नहीं है। चलिए देखते हैं आखिरकार क्या होता है। जी हाँ, ओवरऑल एमवीपी की बात करें, 60S के प्लेयर निकल के आता जिन्होंने 6 फिनिशेस किए हैं 615 डैमेज के साथ। मीनवाइल वेबे का बेस्ट कंपनी की बात करें तो ओबिटो निकल के आते हैं जिन्होंने 1 असिस्ट दिए हैं, 2 रिवाइवल भी दिए हैं, फाइनल फिनिशर फ्यूरियस निकल के आते हैं 60S के वंस अगेन फिर से। तो गाइस ये था आज का हमारा पहला मैच सेमीफाइनल का, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी कास्टिंग पसंद आया। मेरे भाई अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और जो लोग दोस्त जो लोग खेल रहे थे उनको शेयर करो, वो लोग रिवाइंड करके स्ट्रीम देखें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं, तब तक आप लोग चैट में भी आ जाया करो, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Lights paint the sky.
I am restricted, fixed upon the web.
I played it innocent, a feeling.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आ चुके हम लोग एक और मैच की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। टीम नंबर 2 के प्लेयर्स हमें टीम डीएफएस के प्लेयर नजर आएंगे। सबसे पहले हितेश हमें देखने मिलेंगे जरूर यहां पे, डीएफएस के हितेश ग्रुप की तरफ बढ़ना चाहेंगे। उससे पहले देखते हैं रैगनार यहां पे जरूर एक नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। लेट मी सी वेयर इज रैगनार। हो सकता है यहां पे क्लस्टर देख रहे हैं, इस बीच के स्लीव की बात करें वो मैच से बाहर होंगे। जी हां, ओके रैगनार साथ यहां पर जल्दी बढ़ सकते हैं। यहां पे भी चलना चाहूंगा, टीम 60 की तरफ बढ़ना चाहूंगा जरूर यहां पे। ठीक है, यहां पे चलिए एक नॉक नॉक निकालेंगे इसी के साथ। काफी बेहतरीन यहाँ पे टोटल दो फिनिश हो चुके हैं टीम 16 के। यागी की बात करें, ओके बेहतरीन ग्रेनेड आ गया यहाँ पे यादव की तरफ से। टीम 5 के जो प्लेयर्स हैं यादव, उन्होंने काफी बेहतरीन नॉक निकाला है। उनको रिवाइव करने की कोशिश करना चाहिए। यादव नहीं नाम इनका, योधव नाम। ओके योधव का एक बेहतरीन प्री ग्रेनेड जो था वो काफी बेहतरीन नॉक निकालेगा, बट कंफर्मेशन नहीं। बट टीम मैं देख पा रहा हूँ टीम 9 के प्लेयर्स भी थर्ड पार्टी का सेशन आ रहा है। टीम 9 की तरफ से यहाँ पे नॉक आउट हो सकते हैं। योधव काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा योधव को। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हायर ग्राउंड की तरफ से देखना चाहूंगा, जरूर देखते हैं आखिरकार क्या कमाल दिखाएंगे। टीम डीडी के प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पे। लिटायर, ओके लिटायर की बात करें, लिटायर काफी ज्यादा आगे, उनके पीछे इंजीनियर रहेंगे, सफायर तो पीछे रहेंगे। एंड रेवल की बात करें, रेवल के पास एक बेहतरीन ऑफ एंगल है बैठे हुए। टीम 16 की बात करें, आएंगे नॉकआउट करेंगे, मैच से बाहर करेंगे काफी बेहतरीन टीम 16 के चारों के चार पे। टीम 9 की बात करें, उनके बाद भी चारों के चार पर 4v4 का जो सिनेरियो देखने मिलेगा। और टीम 5 प्लेयर रहेंगे और मैं करेंगे। लेकिन आगे की बात करें, ओके ओपी की बात करें, इंजीनियर का नॉकआउट काफी बेहतरीन, लेकिन डैमेज हो चुके हैं। यागी की बात करें, यागी भी आगे बढ़ने को जाएगा, यागी को नॉकआउट किया जाए काफी बेहतरीन। यहाँ पे जूझ आगे बढ़ने को ना चाह रहा, लेकिन पीछे से टीम 9 के प्लेयर लगातार कवर फायर देना चाहेंगे। यहाँ पे रेवल भी मौजूद रहेंगे, सफायर भी मौजूद रहेंगे, सफायर का भी जाएगा दोनों प्लेयर का दोनों तरफ से। यहाँ पे जरूर यूएमपी का स्प्रे दिया जा रहा एक बार फिर से, रा ओपी भी लगातार स्प्रे देंगे, नॉकआउट करने की पूरी पूरी तैयारी रहेंगे। इंजीनियर की बात करें, इंजीनियर को बचा नहीं सकता, इंजीनियर मैच से बाहर होंगे। दो कैजुअलिटी में देखने मिलेगी, बट एक पे नहीं से टीम डीडी के खाते में नजर आएगा। सफायर रेवल की बात करें, रेवल अभी भी टीपीपी का इस्तेमाल, टीम 16 की बात करें, रा ओपी इनके पास फर्स्ट एड नजर नहीं आ रही, बैंडेजेस हैं, लेकिन अपने प्लेयर्स को बचाना भी जरूरी है, अदरवाइज 2v2 के सिनेरियो का फिर से देखने मिलेगा। बात करें यहाँ पे संचे नूब की बात करें, संचेज नूब वो बचाने की कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन टीम 5 के प्लेयर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी कर सकते हैं बिकॉज वो अभी भी मौजूद है वहाँ पे, वे स्पॉट करते हैं इजीली। सफायर की बात करें, सफायर ओके मैं बात ही कर रहा था इसी चीज का, यहाँ पे 3 और 5 के प्लेयर्स थर्ड पार्टी का सिनेरियो देखने मिल सकता है उनकी तरफ से। चलिए देखते हैं क्या कमाल दिखाएंगे। फिर से रिलोड किया M16 विथ 4x, नॉकआउट करने की कोशिश करना चाहेंगे, बट प्लेयर वहाँ पे आ नहीं रहे। फ्री फायर काफी बेहतरीन यहाँ पे दिया था संचेज नूब को, जरूर यहाँ पे संचेज नूब काफी चालाक, उन्हें पता है प्लेयर है, बट रिवाइवल आई थिंक पॉसिबल नहीं उन्हें दिया जाएगा। ओके रिवाइवल इजीली पॉसिबल, वाओ नाइस। टीम 16 के प्लेयर काफी बेहतरीन नॉक है, लेकिन रॉ की बात करें, रॉ को वंस अगेन नॉकआउट कर दिया जाएगा। रॉक एचपी काफी ज्यादा लो, रॉक थोड़ा सा एक पिक्सल उन्होंने दिखाया, नॉकआउट किया काफी, लेकिन स्प्रे की बात करें यहाँ पे रॉन ने भी काफी बेहतरीन दिया, तो बिकॉज उनके पास भी एचपी काफी ज्यादा डाउन हो चुके, बट इन्होंने 9 की प्लेयर ओके काफी बेहतरीन काफी चालाक। सफायर फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ साथ रेवल, रेवल और भी जल्दी, दोनों ही प्लेयर्स काफी बेहतरीन भागने में काफी यहाँ पे चालाक नजर आ रहे हैं। टीम 9 के प्लेयर्स एक फिनिशेस इनके पास रहेंगे, इनके खाते में जरूर नजर आएंगे टोटल पूरी टीम के। बट वहीं पर अगर मैं बात करूँ कैजुअलिटी, दो कैजुअलिटी देखने मिलेंगे जरूर हमें यहाँ पे टीम 9 की तरफ से। बट 16 की बात करें, 16 के पास टोटल 5 फिनिशेस सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअलिटी पे,
जो कि काफी बेहतरीन वाला स्प्रे। यहाँ पे नॉकआउट कर सकते हैं यार जरूर, शेड यहाँ पे नॉकआउट होते हुए बच सकते हैं। यहाँ पे शेड के लिए 1v4 सॉरी एक्चुअली 1v3 का सिनेरियो जो है यहाँ पे देखने मिल सकता है। शेड देखते हैं किस तरीके से यहाँ से निकलना चाहेंगे, स्पेस आएंगे लगातार, प्लेयर स्पॉट कर लेंगे 16 के प्लेस। आई डोंट थिंक यहाँ से जाने देंगे, बट मैं बढ़ना चाहूंगा दूसरी टीम की तरफ। यहाँ पे 15 के प्लेस यहाँ पे जरूर मौजूद रहेंगे। PMP4U के लॉर्ड हमें देखने मिलेंगे जरूर। यहाँ पे लॉर्ड के साथ साथ INF के फॉग नाम है क्या, ओके अल्फा ओजी यहाँ पे जरूर देखने मिलेंगे। अल्फा ओजी के साथ साथ जूस भी रहेंगे, जूस UMP के साथ अल्फा ओजी के साथ नजर आ सकते हैं। यहाँ पे लॉर्ड भी मौजूद रहेंगे। फ्लेम की बात करें, फ्लेम व्हीकल के साथ अपने नजर आएंगे। अभी के लिए फाइट में एंगेजमेंट जो है शायद देखने को मिले, बट कहीं ना कहीं अगर वाला टीम ने 14 के जो एक प्लेयर हैं राधे, वो थोड़ा सा पीछे रहने वाले। यहाँ से एक थर्ड पार्टी का जो सिनेरियो देखने को मिल सकता है। राधे के साथ साथ हमें एक और प्लेयर ओबीटो नजर आएंगे। पिछली बार ओबीटो को हम देख पाए थे एज अ बेस्ट कंपनी के रूप में। आज चलिए आगे टीम 50 के प्लेयर्स को नॉकआउट कर दिया, काफी बेहतरीन। यहाँ पे नॉक निकल गया, कन्फर्म किया जाएंगे इसी के साथ मिनी के साथ कन्फर्म। ओके मिनी के साथ कन्फर्म नहीं, यहाँ पे काकासी की बात करें, काकासी ने ये पहला फिनिश निकाला, पहली ओपनिंग जो है काकासी ने। लॉर्ड को भी नॉकआउट कर दिया गया। लॉर्ड को बचाना मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे मुश्किल रहने वाला, बिकॉज एक प्लेयर को गवा दिया। फ्लेम काफी ज्यादा पीछे हैं। जूस की बात करें, फ्लेम नहीं थे, ओके सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड पीछे रहेंगे। सेल्फ मेड के साथ साथ जूस यहाँ पे सेल्फ मेड जरूर थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज देना किसी करना चाह रहे हैं। M249 विद 6x के साथ काकासी का नॉकआउट किया, काफी बेहतरीन यहाँ पे। लेकिन उससे पहले इन्हें राधे से भिड़ना पड़ेगा। राधे के हाथों में UMP नजर आएगी, मे भी हो सकता है राधे एंड सेल्फ मेड की बात करें, दोनों का जो वन का जो फाइट है, वन का सिनेरियो देखने मिल सकता है। एक के पास है M249 विद 6x, दूसरे के पास नजर आएगी UMP। काकासी नॉकआउट है, लेकिन अब पावर की बात करें, पावर वहाँ पे मौजूद रहेंगे मिनी के साथ। पावर चाहते हैं मिनी के पावर के पास, मिनी विद एटेक्स नजर आ रहा, हमें जरूर कमाल दिखा सकते हैं। लेकिन काकासी को बचाना जरूरी रहने वाला है। चलिए एक बार फिर से काकासी ऑन फुट आ चुके हैं। राधे ओपी मौजूद रहेंगे यहाँ पे, राधे AP। ओबीटो की बात करें, ओबीटो को नॉकआउट किया जाएगा लगातार यहाँ पे, काफी बेहतर यहाँ पे नॉक निकाला जा रहा है सेल्फ मेड की तरफ से। टैप टैप करके यहाँ पे राधे के ऊपर, राधे को रोका जा रहा है जरूर। यहाँ पे देखते हैं क्या रोकने में कामयाब हो जाएंगे। काकासी फिनिश करेंगे इसी के साथ, लॉर्ड के साथ, M249 के साथ यहाँ पे जरूर। बट जूस यहाँ पे मौजूद रहेंगे, जूस काफी ज्यादा क्लोज आ चुके जरूर। लेकिन आखिरकार नॉकआउट किया जाएगा पावर की तरफ से। पावर की पोजीशन शायद आई थिंक रिवील नहीं थी, पावर ने उस चीज का फायदा उठाया, नॉकआउट निकाला। जूस भी नॉकआउट, अभी के लिए सेल्फ मेड सोलो मैन सर्वाइव। यहाँ पे फॉल बैक करना पड़ेगा इन्हें कहीं ना कहीं, अगर बात करो M249 यहाँ पे सेल्फ मेड। यू कैन डू इट बट यू हैव टू गो। चलिए जूस को भी मैं से बाहर किया जाए। 10/15 के पास हमें 3 कैजुअलिटी बिना किसी फिनिश के साथ, बिना किसी किल के साथ। वहीं पे अगर बात करें टीम LV की, LV के पास 3 फिनिशेस 0 कैजुअलिटी के साथ। कैजुअलिटी में देखने मिल सकती थी, लेकिन कैजुअलिटी अभी के लिए मैं देखने नहीं मिलेगी एक भी। चलना चाहूंगा मैं दूसरी टीम की तरफ, जरूर बढ़ना चाहूंगा, देखता हूँ आखिरकार बाकी की टीम्स क्या काम करती हुई नजर आ रही है। हमें कुछ टीमें जून के बाहर भी नजर आ रही है, देखते हैं वो टीम्स जून के अंदर हमें कब नजर आएंगी। जी हाँ, काफी सारी टीमें में जून के बाहर नजर आएंगी। टीम 20 के प्लेस आ रहे हैं यहाँ से, थर्ड पार्टी में देखने मिल सकती है 20 की तरफ से। यहाँ पे जरूर यातीन ओजी की बात करें, यातीन ओजी वेगले साथ जाने को दिख रहा है, लेकिन शॉट आएंगे नॉकआउट किए जा सकते हैं। बट मिनी का है जिसकी वजह से यहाँ पे कनेक्शन जो है कुछ कम देखने मिले। बट अगर हम बात करें एक्सपीरियंस होते वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कनेक्शन काफी बेहतरीन देखने मिलते, नॉक भी निकल के आते। बट ओके काउंटर रिटेलिएशन में यहाँ पे जरूर स्प्रे आएगा M4 का। यातीन ओजी का हमने थोड़ा सा पीछे किया, उनको भी डैमेज दे करके काफी बेहतर दोनों प्लेयर्स ने दूसरे डैमेज दिया। बट काकासी की बात करें, काकासी की पोजीशन आई थिंक ओके, चलिए रिवील हो चुके, नॉकआउट हो सकते हैं, काफी बेहतर। बात ही कर रहा था, बस दो हेड लगी, नॉकआउट हुए। पावर की बात करें, पावर पीछे से कवर फायर देने कुछ कहना, अगर पावर पहले कवर फायर देते तो जाहिर सी बात हो सकता था कि यातीन ओजी को जरूर रोक पाते नॉकआउट करने से काकासी को। बट वो चीज यहाँ पे हुआ नहीं, और अभी के लिए काकासी नॉकआउट पड़े, उनको रिवाइवल देना भी जरूरी है। बट पावर की बात करें, पावर की तरफ से मिनी का यहाँ पे सर स्मोक किया गया है, देखते क्या रिवाइव कर पाते हैं यहाँ पे। एक तरफ है मिनी विद अटैक, दूसरी तरफ है M4 विद 3x, देखते हैं कौन सा प्लेयर यहाँ पे कमाल दिखाएगा। लेकिन वहां पे 10/20 के बाकी के प्लेयर्स आएंगे, फिनिश करेंगे इसी के साथ, काफी बेहतर है। लेकिन स्प्रे जिस तरीके से आ रहा, हेलमेट भी इनके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं पावर की बात करें, पावर को ज्यादा डैमेज डील करना पड़ रहा है यहाँ पे, डैमेज को ज्यादा, उनको रेसिस्ट हो रही गोलियां बुलेट, बिकॉज हेलमेट नहीं है इनके पास। चलिए हेलमेट काफी ज्यादा सख्त जरूरत है अभी के लिए पावर की। ओबीटो की बात करें, ओबीटो मौजूद रहेंगे यहाँ पे, और भूत है क्या, ओके चलिए एक कैजुअलिटी अभी थोड़ी देर पहले नहीं थी, बट अब टीम LV के पास एक कैजुअलिटी है, एक प्लेयर को गवाया है उन्होंने जरूर।
और गाइस आप लोग को मेरी कास्टिंग पसंद है यार, फटाफट चैट पे आ जाओ आप लोग। गॉडेस को दिखाना, बिल्कुल गॉडेस को मैं दिखा रहा हूँ। होल्ड अ सेकंड, ये लो गॉडेस, तीनों स्लॉट नंबर सिक्स पे ही होगी ना गॉडेस। हाँ गॉडेस अभी सेंटर पे नहीं पहुंची है, जोन के अंदर पहुंचना है। गन शॉट की बात करें, ओके इनकी फाइट हो रही है शायद। अवारल की बात करें, अवारल यहाँ पे व्हीकल के साथ काफी ज्यादा लो स्पीड। रोको भी है, रोको वो भी काफी ज्यादा पीछे रहने वाला अभी फिलहाल के लिए, जोन के बाहर है। बट चीफ की बात करें, चीफ भी व्हीकल के साथ आ चुके हैं। आई थिंक पिछली बार जो गलती किया था इन्होंने वो गलती नहीं करेंगे, पहले जोन को प्रेफर करेंगे। मजेदार 1v3, रोको जॉर्ड है भाई, बिल्कुल रोको तो जॉर्ड है ही। देखते हैं किसी तरीके से जोन के अंदर पहुंचे, अभी के लिए फिलहाल बिकॉज जोन के अंदर पहुंचना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। चलिए पहुंच चुके हैं, इनके पास फर्स्ट एड की बात करें, एलिंग एक दो फर्स्ट एड नजर आगे जरूर हमें देखने मिलेंगे। अभी तक फिनिशेस नहीं है इनके पास बिकॉज फाइट में एंगेजमेंट नहीं दिखा है। वहीं पर गन शॉट की बात करें, गन शॉट काफ़ी ज़्यादा आ गया, सबसे आगे हमें वायरल नजर अवायरल नजर आ रहे हैं। अवायरल ओके, अवायरल के साथ साथ बाकी के तीन प्लेयर्स भी हैं, हमें आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज। चलिए चलिए लगभग लगभग सारे के सारे प्लेयर्स हमें जून के अंदर आ चुके हैं। ओके होल्ड अ सेकंड, नहीं अभी फिलहाल बात नहीं कर सकते, बाद में बात करेंगे। आर्यन चैट पे आओ यार, एक्टिव रहो और कुछ बताओ, क्या हाल चाल, कैसे हो? सॉरी गाइस नींद आने लगी, चाय भी खत्म हो गई है। जोन का हमें एक और करवट देखने को मिल सकता है, और वाह जोन काफी ज्यादा हमें श्रिंक हुआ, जो कि एक साइड का जोन टोटली हमें लगभग लगभग पूरा ही श्रिंक एज इट इज देखने मिला। टीन 90 के प्लेयर्स को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज वो जोन के अंदर ही मौजूद है। गाइस यार अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार फटाफट, जितने लोग नए हो तो प्लीज। जोन एक बार फिर से श्रिंक होता हुआ, मैं चाहता हूँ जिधर कंपाउंड हो वहां पे जोन का शिफ्ट देखने मिले प्लीज। और चलो ये चीज पूरा हुआ। मिनाज जनरल की बात करें, जनरल एस यही लिखा है ना, जनरल हाँ यही नाम लिखा है, ऐसा कुछ कुछ गिने चुने कंपाउंड से जो भी जोन के एज पे नजर आ रहे हैं। आई थिंक जोन के सेंटर पे हमें नजर नहीं आ रहा, सेंटर पे जो कंपाउंड्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी टिनोर 7 एंड टिनोर 17 ने कब्जा कर रखा है। एक हाँ कंपाउंड जरूर नजर आएगा हमें यहाँ पे, टिनोर 7 के जस्ट ऊपर वाले जो कंपाउंड यहाँ पे हमें नजर आएगा जरूर। एक कंपाउंड खाली हुआ सेंटर पे, लगभग लगभग सेंटर पे ही कह सकते हैं, बट जो मेन सेंटर है वो आई थिंक अगर नेक्स्ट जोन बनता है, नेक्स्ट जोन हमारा जो है ऐसे जगह बने जहाँ पे और भी कम कंपाउंड लाइक की बात करूँ मैं, ये जो एरिया है ये ऐसे होता हुआ ऐसे इधर का एरिया जो हमारा सेंटर बने, अगर इतना भी आएगा थोड़ा बड़ा रहेगा बट इतना एरिया अगर आता है ना तो काफ़ी मज़ेदार फाइट्स में देखने मिल सकती है। बट अभी के लिए फिलहाल मैं चलना चाहूँगा दूसरी टीम्स की तरफ यहाँ पे जरूर। चलिए लगभग लगभग आधी से भी ज़्यादा टीम्स हैं बेघर हो चुकी हैं और यहाँ पे फाइट हमें देखने मिल सकती थी ना। 16 के प्लेस राव ओपी की बात करें, राव ओपी के साथ संचिन उप एक और कैजुअलिटी में देखने मिलेगी यहाँ पे राव ओपी की तरफ से। यहाँ पे यूएमए के यागी जो हैं उनको भी फिनिश ऑफ कर दिया गया है और कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले टीम नंबर टीम 16 के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा खुश रहे होंगे बिकॉज उनके पास फिनिशेस काफ़ी ज़्यादा थे, कैजुअलिटीज भी नहीं थी उनके पास। बट अभी के लिए थोड़ा सा बैकफुट पाएंगे अपने आप को, कैजुअलिटीज भी इनके पास है। टीम 9 के प्लेयर्स आप मौजूद रहेंगे, यहाँ पे फॉल बैक किया था इन्होंने। सफायर की बात करें, सफायर भी यहाँ पे हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ साथ रेबेल भी मौजूद रहेंगे। टीम 2 के भी प्लेयर्स आ चुके हैं, थर्ड पार्टी इवन फोर्थ पार्टी भी हमें देखने मिले। फ्लिकर की बात करें, फ्लिकर के एचपी काफी ज्यादा हो गए, टीम 12 के प्लेयर्स काफी ज्यादा मुश्किल में सामना कर पड़े। ओके टीम 12 के प्लेयर्स के स्वॉट कर सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या करेंगे। ओके नॉकआउट किया ध्रुव को, कंफर्म करेंगे इसी के साथ। सफायर के एडीएस में आ सकते थे बट M249 ओके सफायर की तरफ से काफी बेहतरीन स्प्रे आया M4 का। मीनवाइल अगर बात करें दूसरे प्लेयर की तरफ में, यहाँ पे जेनुइन की बात करें, जेनुइन यहाँ पे नॉकआउट कर सकते थे फ्लिकर को बट नॉकआउट नहीं किया। टॉक्सिक की बात करें, टॉक्सिक नॉकआउट विकेट उनके सामने मौजूद रहेंगे हितेश, देखते हैं हितेश क्या कंफर्म करेंगे। बिल्कुल हितेश कंफर्म करने के लिए ही आ रहे हैं और कंफर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे टीम 12 का प्लेयर आएगा, नॉक होंगे एक और आखिरी प्लेयर बचेंगे यहाँ पे फ्लिकर। फ्लिकर के पास एचपी भी जहां तक मैं बात कर देख पा रहा हूँ फर्स्ट एड भी इनके पास नहीं है, जो उनके काफी ज्यादा बाहर नजर आएंगे फ्लिकर और बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है जोन को। देखते हैं किस तरीके से जोन के अंदर जाएंगे, हितेश कंफर्म हो जाएंगे इसी के साथ। जीरो फिनिश के साथ तीन कैजुअलिटी, कहीं ना कहीं एक बड़ी बहुत खराब शुरुआत मैं कह सकता हूँ। फिनिशेज अगर इनके पास रहते तो चलो अच्छी बात थी, तीन जो कैजुअलिटी वो भी चल जाता, लेकिन टीनर 16 की बात करें वो अभी भी स्टिल टीनर 9 के प्लेयर्स के सामने फंसे हुए। ना तो टीनर 9 के प्लेयर्स निकल सकते हैं ना तो 16 के प्लेयर्स, दोनों ही प्लेयर्स कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जून के बाद जिसके पास सीलिंग कम होगी
वो मैच के बाहर जाएगा जून से ही फिनिश हो करके। बट सफायर की बात करें, सफायर को मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे, सफायर टीपी भी कई इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ मैं रेबल को भी देखना चाहूंगा, रेबल यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। संचेनु बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, स्मोक करके आगे बढ़ने को चाहिए, लेकिन सफायर की तरफ से आएगा। और चलिए आखिरकार संचेनु आ चुके हैं, काफी ज्यादा क्लोज संचेनु के साथ साथ राव भी फ्री फायर देंगे। संचेनु काफी चलाक, उन्हें पता है कि प्लेयर कहीं ना कहीं यहीं पे बैठा होगा। देखो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करना चाहेंगे, देखते हैं क्या राव ओपी भी आगे बढ़ पाएंगे। अगर ट्रेवल इनके पास होता तो इजीली यहाँ पे फाइट जो है दोनों ही टीम के लिए इजी हो जाती, बट रेबल एक बार फिर से बैंडेज मारते हैं। दो फर्स्ट एड रेबल के पास नजर आएगी, सॉरी गाइस, दो फर्स्ट एड, पांच बैंडेज इनके पास नजर आएंगे। मैं सफार के बाद में सफार को देखना चाहूंगा, फर्स्ट एड इनके पास एक भी नहीं है और राव ओपी को फिनिश किया जाएगा। इसी के साथ इनकी मुश्किलें कम हो चुकी है टीम नंबर 12 के प्लेयर्स थोड़ा सा पे सपोर्ट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं टीम नंबर 9 के प्लेयर्स के लिए। रेबल के लिए 1v1 के फाइट रह सकते हैं, यहां पे देखते हैं क्या कमाल दिखाएंगे एकेएम वर्सेस यूएमपी। और इसी के साथ एक बार फिर से स्विच करेंगे यूएमपी पे भी, नॉकआउट का फैसला मैच से बाहर करेंगे। वापसी काफी बेहतरीन वहां पे 1v1 का सिनेरियो जो था रेबल की तरफ से देखने, बट सफायर की बात करें पीछे से सफायर ने भी काफी बेहतरीन वहां पे कवर फायर प्रोवाइड किया था, डैमेज दिया था जरूर सफायर ने। उनकी एचपी जाबे लो नजर आ रही, बैंडेज का यूज करके सब सीधे सबसे पहले जोन के अंदर जाना पड़ेगा। टीम ने 12 के प्लेयर्स मौजूद रहेंगे वहां पे, वो शायद जाने नहीं देंगे। अगर स्पॉट कर सकते हैं सफायर को, टॉक्सिक चाहे तो स्पॉट कर सकते हैं, टॉक्सिक के सामने नजर आ रहे हैं सफायर, लेकिन उससे पहले स्पॉट करेंगे यहाँ पे हॉक आई स्पॉट करेंगे, नॉकआउट करेंगे। इसी के साथ सफायर का भी सफाया होता हुआ नजर आएगा, सफर खत्म होता हुआ नजर आएगा। सामने रहेंगे टॉक्सिक, सॉरी रेबल रहेंगे, रेबल के पास एक फर्स्ट एड यूज किया, अब उसके बाद आखिरी फर्स्ट एड। 1v1 का सिनेरियो रह सकता है रेबल के लिए, देखते हैं आखिरकार 1v1 क्या कमाल दिखाएंगे। टीम नंबर 12 के प्लेयर्स चारों के चार प्लेयर्स रहेंगे मौजूद, फॉल बैक करने को से करना चाहेंगे रेबल यहां पे, चाहते एक दो कैजुअलिटी निकाल सकते हैं टीम नंबर 12 के प्लेयर्स के लिए। बट रेवेल अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाह रहे, नॉकआउट कर सकते हैं बट नहीं, अभी के लिए वापस रुकेंगे प्लेयर। और अब मुश्किलों में फंस चुके हैं रेबल, जीडी के रेबल अगर फाइट नहीं लेते जाए तो बाहर जा सकते तो मैच, उनके पास एक फर्स्ट एड थी बट ओके। ओ सॉरी, सो सैड, चलिए देखते हैं क्या इनके पास व्हीकल नजर आ रही है। इनके पास अगर व्हीकल होती तो हो सकते हैं आखिरी फर्स्ट एड बैंडेज यूज करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। जोन आपके पास 1100 मीटर 1000 के करीब है, 1107 मीटर हमें देखने मिलेगा। हमें फ्यूरियस की बात करें, फ्यूरियस की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, मैं फ्यूरियस की तरफ जरूर बढ़ना चाहूंगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, फ्यूरियस ने एक नॉक निकाला, कंफर्मेशन शायद निकल के आ जाए टीम नंबर 8 के प्लेयर्स, काफी ज्यादा मुश्किलों के सामने बिकॉज अभी के लिए साई रेज ईएनसी की बात करें, रेज ईएनसी बचे रहेंगे, सोलो मैन सरवामी की अपनी तरफ से दोनों प्लेयर नॉकआउट हुए, रिवाइवल के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए व्हीकल के साथ कहीं ना कहीं आ चुके हैं, देखते हैं किसको पहले बचाना चाहेंगे। सबसे पहले अम्मी उन्नी, ओके उन्नी यहाँ पे नॉकआउट पड़े, उनको रिवाइव देंगे बट बन्नी शायद फिनिश हो जाए। नहीं, चलिए बन्नी को भी बचाया जा सकता है, काफी ज्यादा धीरे धीरे एचपी जा रही है बट उन्नी की बात करें उनकी एचपी काफी ज्यादा लो है, जल्दी पकड़ना पड़ेगा। चलिए उठा दिया गया, गॉडेक्स की बात करें गॉडेक्स तरफ देखना चाहूंगा जरूर एक बार फिर से। गन शॉट की बात करें काफी ज्यादा लो एचपी नजर आएंगे गन शॉट इनके पास, M4 विद UMP नजर आएगी, पीछे प्ले जोन रहने वाला, आगे काफी ज्यादा बड़ी चुनौती के रूप में हमें नजर आ रहे हैं प्लेयर। अच्छा हूँ भाई, आप बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ आर्यन, देखो तुम्हारी टीम क्या कमाल दिखा रही है, देखो जरा थोड़ा सा डीले डाला है इसलिए डीले में दिखेगा बट कोई नहीं। टोटल 3 फिनिशेस बटोलने इस बार, पिछली बार 0 फिनिश थे ना, इस बार हैशटैग 11 तक आ चुकी है 3 फिनिश के साथ। M16 कौन चला रहा भाई, चीप चला रहे हैं क्या, चीप के बाद M249 है, गनशॉट के बाद M4 है, रोको अवायरल की बात, अवायरल के पास भी M249 है, साथ रोको ही चला रहे, रोको के पास M16 नजर आ रहे, रोको व्हीकल लेके चुपचाप पतली गली से निकल रहे हैं यहाँ पे जोन के अंदर। जी हमें बात ही कर रहा था पिछली बार इन्होंने क्या गलती की थी, जोन को प्रेफर नहीं किया था, जोन के अंदर नहीं करते, इस बार वो गलती बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे टीम गॉडेक्स के प्लेयर्स, देखते हैं इस बार क्या कमाल दिखेंगे। सामने रहेंगे टीम नंबर 10 के प्लेयर्स, अब M16 इनके पास ऑटो गन की एक कमी जरूर खलने वाली है बिकॉज ऑटो गन नहीं है लेकिन फिर भी इनके पास दो फिनिशेज है, एक ऑटो गन UMP रहने वाली, क्लोज रेंज के लिए चलिए तो बीस्ट इनके पास वेपन है बट लॉन्ग रेंज के लिए थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बट देखते हैं आखिरकार क्या कमाल करते हैं रोको यहाँ पे M16 B4S के साथ। राधे AP की बात करें, राधे OP भी यहाँ पे फाइट एंगेजमेंट दिखा रहे हैं, नॉक निकल के आ रहे हैं जरूर राधे OP की तरफ से, AP की तरफ से यहाँ पे जरूर। टीम सेन के प्लेयर स्कैरी के प्लेयर जो है पहले पिछले मैच में काफी ज्यादा अर्ली एलिमिनेट हुए थे, जरूर हमें स्कैरी की तरफ देखना चाहूंगा बिल्कुल यहाँ पे। ओके M249 के साथ इस प्लेयर देते हुए टीम 6 के प्लेयर्स के लिए बढ़ाते हुए नजर आएंगे M249 का। अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा यहाँ पे स्कोर हो रहा है,
गाइज आप लोगों को भी लग रहा होगा ना साउंड ज्यादा चल रहा था, मैं कम कर देता हूँ। इसी के साथ टीम नंबर 12 के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, टीम नंबर 18 के प्लेयर्स भी आ चुके हैं। थोड़ा सा मुझे अभी के लिए पीछे जाना पड़ेगा, जरूर मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्पाई फंसेंगे टीम नंबर 18 के तीनों प्लेयर्स के बीच में। 1v3 का सिनेरियो था स्पाई के लिए, स्पाई को मैच से बाहर किया जाएगा। दूसरी तरफ स्पाइडी की बात करें, स्पाइडी नहीं था बनी, ENC की बात करें बनी, अभी 3v3 का सिनेरियो यहाँ पे देखने मिलेगा। टीम नंबर 18 वर्सेस 7 यहाँ पे डेंजर की बात करें, डेंजर का तो ग्रेनेड, लेकिन टीम नंबर 6 के प्लेयर नॉकआउट करेंगे काफी बेहतरीन। यहाँ पे टॉक्सिक की बात करें, टॉक्सिक स्लेयर को नॉकआउट करेंगे, इसी के साथ स्पाइडी को भी नॉकआउट कंफर्म करें, नॉकआउट करेंगे टॉक्सिक। काफी बेहतरीन नॉकआउट निकल के आ गया यहाँ पे टॉक्सिक की तरफ से। देखते हैं यहाँ की बाकी के प्लेयर्स क्या कमाल दिखाते हैं यहाँ पे। टीम नंबर 18 के प्लेयर्स यहाँ पे इनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं टॉक्सिक। और इसी के साथ स्कैरी के जो प्लेयर्स हैं वो फिनिश अपने खाते में लेते जाते हुए नजर आएंगे। टीम नंबर 7 के प्लेयर्स यहाँ पे 1v3 का जो सिनेरियो है वो वंस अगेन यूट्यूब के जनरल के लिए बनाते हुए नजर आएंगे। टीम नंबर 6 के प्लेयर्स उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, फॉल बैक कर सकते हैं जोन के अंदर जाए, अगर वो जोन के अंदर नहीं है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जोन के एज पे नजर आ रहे हैं। चलिए जोन के एज पे है तो इजिली जोन के अंदर जा सकते हैं, बट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ टोटल 7 टीम है, 17 प्लेयर्स हमें अभी भी मैच के अंदर दिख नजर आएंगे यहाँ पे। गॉडेस के प्लेयर्स गन शॉट की बात करें आ चुके हैं काफी ज्यादा क्लोज। यूट्यूब जनरल की बात करें उनके हाथों में मॉली नजर आ रही है। एक तरफ है टीम नंबर 7 के प्लेयर्स, दूसरी तरफ है टीम नंबर 20 के प्लेयर्स, तीसरी तरफ हमें गॉडेस के प्लेयर्स नजर आएंगे। देखते हैं काफी रात कैसे बच पाते हैं यूट्यूब जनरल। 7 टीमें ओके, टीम नंबर 8 के प्लेयर्स भी स्लैम इन देते नजर आएंगे। टीम नंबर 20 के प्लेयर्स भी मौजूद रहेंगे, नॉकआउट कर सकते हैं, स्प्रे देना चाहेंगे जरूर यहाँ पे स्प्रे देगा। यासीन ओजी की बात करें अब यहाँ पे क्लस्टर बढ़ चुका है काफी ज्यादा क्लस्टर, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ टीम नंबर 8 के प्लेयर्स बेहतरीन यहाँ पे स्प्रे आएगा। बसड़ मच चुकी है यहाँ पे, स्कैरी डेंजर की बात करें वो बचे हुए, चलिए स्कैरी डेंजर अकेले बचे हुए, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे 3 कैजुअलिटी देखने मिल चुकी है। 6 फिनिशेस के साथ एक ग्रेन हाथों में लिया है, शायद यहाँ पे नॉक निकल के आ जाए, घर में डालना है अगर ओके। थोड़ा सा चुके यहाँ पे जल्दीबाजी किया उन्होंने, ग्रेनेड से कुछ कमाल देखने मिला। टीम नंबर 66 के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद रहेंगे, स्कैरी डेंजर देखते हैं क्या कमाल देखें क्या कर सकते हैं यहाँ पे। एक गेम के साथ आगे बढ़ेंगे, 1v1 का जो फाइट रहेगी 1v2 की फाइट एक्चुअली इनके लिए। टीम नंबर 6 के प्लेयर्स भी आ चुके हैं, टीम नंबर 6 के प्लेयर्स तो मैं चलना चाहूंगा यहाँ पे। देखते हैं आखिरकार ओके नॉकआउट किया गन शॉट को, लेकिन रोको पीछे से आएंगे कवर फायर वन के M16 के साथ व्हीकल लेंगे, आगे जाएंगे सीधा स्लैम इन देंगे। बट वहीं पे स्कैरी की बात करें, स्कैरी डेंजर जो एक्स है वहाँ पे मौजूद है, स्प्रे दे सकते हैं नॉकआउट कर सकते हैं यहाँ पे काफी बेहतर, यहाँ पे नॉक निकल के आ सकता है। देखते हैं आखिरकार क्या कमाल दिखाएंगे। अवायरल की बात करें, अवायरल के हाथों में ग्रेनेड नजर आ रहा, देखते हैं आखिरकार अवायरल का ये ग्रेनेड में भी इस कैरी को बाहर लेके जा सकता है शायद यहाँ पे, लेकिन नहीं कनेक्शन देखने मिलेगा। उधर बात करें गन शॉट को, रिवाइवल चल रहा है यहाँ पे, टोटल 4 टीमें, चारों के चारों ही टीमें यहीं पे नजर आ रही है। टीम नंबर 20 के पीछे प्लेयर है अभी, टोटल 3 टीमें, टीम गॉडेज के पास नंबर ऑफ एडवांटेज ज्यादा रहने वाला। बट बात करें जून जून का एडवांटेज टीम नंबर 20 के प्लेयर्स के पास रहने वाला है। गॉडेज के रोको को मैं देखना चाहूंगा, गन शॉट को भी देखना चाहूंगा यहाँ पे। चीफ की बात करें 249 के साथ नजर आएंगे, रोको भी मौजूद रहेंगे रोको के साथ साथ, अवायरल भी यहाँ पे रहेंगे, अवायरल लूट के जा रहे हैं। गन शॉट एक बार आगे बढ़ने को तो कहना चाहेंगे सामने रहेंगे। टीम 8 के प्लेयर्स अब 2v4 का, सॉरी 2v4, हाँ 2v4 का स्नैरियो हमें देखने मिलेगा। स्मोक में एडजस्ट करना चाहते हैं लेकिन चीफ के हाथों में गिर नजर आ रहा, रोको थोड़ा सा पीछे रहेंगे, रोको पोजीशन स्पॉट करना चाहते हैं, रोको थोड़ा सा ग्रेनेड भी आ रहा बट जोन स्टार्ट चुका, जोन के अंदर जाना पड़ेगा। टीम 8 के प्लेयर्स फॉल बैक करने को जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आई थिंक फॉल बैक करने दिया जाएगा नहीं। टीम 20 के प्लेयर्स लगातार वहीं पे बैठे हुए, वो जो चीज फायदा उठा सकते हैं 20 के प्लेयर्स यहाँ पे। देखते हैं चिकन डिनर शायद टीम गॉडेज के खाते में जाता हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बाहर करेंगे, जी हाँ बाहर किया, 4v1 का सिनेरियो ओके, 1v3 का सिनेरियो, रोको भी नॉकआउट है, उनको रिवाइव देना चाहिए, रिवाइव मिल चुका, आखिर फिनिश हो चुके हैं। 1v2 का सिनेरियो रहने वाला। टीम 8 के साई रेज की बात करें अपने आप को हील करेंगे, सामने 2 प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं जोन का एडवांटेज शायद यहाँ पे रेज के पास देखने मिलेगा। बट मैं बात करूँ टीम 6 पे, चलिए रेज के हाथों में ग्रेनेड नजर आ रहा, मे बी कनेक्शन देखने मिल सकता है दोनों प्लेयर्स, अगर वहां से हटेंगे नहीं कैजुअलिटी देखने मिल सकती है, ग्रेनेड आएंगे, दो ग्रेनेड लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हैं रेज की तरफ से, लेकिन काउंटर ग्रेनेड्स भी आएंगे दोनों प्लेयर पे, क्या कमाल दिखाएंगे। स्मोक किया है आगे जाएंगे, प्रोन होंगे, गन शॉट एंड अवारल, 1v2 का सिनेरियो यहां पे, 2v1 गॉडेस के लिए, 1v2 क्या लगता है आप आर्यन, क्या लगता है 1v2 का जो सिनेरियो यहां पे निकल पाएगा, यहां पे 2v1 का सिनेरियो इजीली निकल जाना चाहिए, लेकिन जो एक जो रीज है उसका फायदा जरूर देखने मिलेगा, नॉकआउट हो सकते हैं, ड्रॉप शॉट थोड़ा देना चाहेंगे और फिर से आगे जाना चाहेंगे यहां पे ओके। गन शॉट के पास एक मौका है अभी के लिए, डैमेज तो अंदर आओ, डैमेज तो अंदर आओ कर यहाँ पे एडजस्ट करना था, बेहतरीन डैमेज एडजस्ट हुआ है, नॉकआउट करके मैच से बाहर कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी के साथ काफी बेहतरीन टीम गॉडेक विनर विनर चिकन डिनर। चलो आर्यन मेहनत काम आई यहाँ पे जरूर, खुद
खुश तो होगे तुम बहुत। कंग्रेचुलेशन टीम गॉड एक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल विनर विनर चिकन डिनर विद 4-4-8-3-11 फिनिश के साथ। पिछली बार थोड़ा सा चूके थे, मुझे पता था पिछली बार चूके हो, लेकिन इस बार कमाल दिखाओगे। जो गलती की थी पिछली बार वो ये गलती इस बार नहीं करोगे। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसा सुधारते रहोगे अपने आप को। हर गलती से ही तो आदमी सीखता है, गलतियाँ आपके जो आपने किया है काम उसका सबूत होती है। काफी बेहतरीन टीम गॉडेक्स ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, कम बैक जो है गॉडेक्स की तरफ से देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल एमवीपी निकल के कौन आ सकता है गाइस, क्या लगता है? यहाँ पे दो कॉम्पिटिटर नजर आ रहे हैं, एक हमें रंगबाज नजर आ रहा है चार फिनिश के साथ, दूसरे हमें रोको नजर आ रहा है चार फिनिश के बाद। रोको के पास हमें एक ऑटो गन भी नहीं थे, M16 एंड UMP थी, फिर भी उन्होंने काफी बेहतरीन फिनिशेस निकाले। चलिए देखते हैं ओवरऑल एमवीपी की तरफ बढ़ते हैं। गाइस ये था रिजल्ट, ओके रिजल्ट थोड़ा दिखा दूं मैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लेना यार। ये है रिजल्ट, ये रहा रिजल्ट, और ये टोटल 17 टीम है। ओवरऑल एमवीपी रंगबाज निकल गए, थोड़ा सा चूकिंग यहाँ पे जरूर, बट कोई बात नहीं। रंगबाज चार फिनिश, 900 डैमेज की वजह से यहाँ पे रंगबाज आगे आ चुके हैं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे और बेस्ट कंपेनियन की बात करें तो रोको निकल के आते हैं, जिन्होंने 2 असिस्ट 2 रिवाइव किए। रो बेस्ट कंपेनियन के साथ साथ चार फिनिशेज भी निकाले रोको ने। गन शॉट की बात करें फाइनल फिनिशर के तौर पर 2 फिनिश के साथ निकल के आते हैं। सो गाइज अब लेते हैं छोटा सा एक ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मजा आया होगा, ये मैच देख करके मेरी कास्टिंग में पसंद आई होगी। सो यार गाइज जो जो लोग नए आते हो चैनल पे, मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, फटाफट कर दो, और लाइक भी जरूर छोड़ के जाना।
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. We'll be right back.
superhero. Yeah.
your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start.
हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के एक और ग्लिच भरे मैच की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ग्लिच मैच हो चुका है जरूर, बट कोई नहीं, हम करते हैं कुछ प्रबंध, टेंशन लो। उससे पहले यहाँ पे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, एसएस लेना तो यहाँ पे लॉबी का एसएस ले सकते हो 11 टीम्स। फिर तो उसके बाद ये रही, टोटल 20 टीम्स हैं, मतलब 20 टीम्स टोटल तो नहीं है लेकिन 20 स्लॉट तक हम दिखा रहे हैं, यहाँ तक है। ये रहा ग्लिच, जहाँ तक मुझे लगता है कि मोबाइल से करना पड़ेगा, इससे तो कंट्रोल जो है कि ये नहीं होने वाला। चलो सो गाइज, बस थोड़ी देर और सब्र करना, ये ग्लिच के माँ का साग के ना का कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चलो आ चुका है भाई साहब, इसको क्या क्या करना पड़ता है। अरे मैं गिरना नहीं यार, अभी तो गिरने वाला था, मेरा पैर फंस गया था। ओके टीनो टू की बात करें, डीएफएक्स के चिकन फ्राई हमें जरूर मटकाते हुए अपनी कमरिया नजर आ रहे हैं, सामने देखने को मिल रहे हैं फिलहाल के लिए। अभी तो थोड़ा सा साउंड बढ़ा दिया था इन गेम साउंड, ये लो इतना कर देते हैं, अब सही हो जाएगा। बाकी टीम्स की तरफ चलना चाहूंगा जरूर, फाइट में एंगेजमेंट अभी कुछ टीमें ओके, थोड़ी देर पहले कुछ टीम्स एलिमिनेट हुई हैं, लाइक मैं उनकी बात करूँ, कुछ टीम्स नहीं एक्चुअली, सारी की सारी टीम से कुछ प्लेयर्स जो हैं उनके जरूर एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। बात करें सीजर हमें एलिमिनेट हुए नजर आ रहे हैं, बीटीसी के 7U5 क्या है यार, ये है 4R4R, अच्छा नाम लिखे हो क्या पढ़ूँ मैं, ये भी एलिमिनेट हो चुके हैं तीनों 19 की तरफ से। तीनों 16 की बात करें, 16 के संचे नूब मैच से बाहर हो चुके हैं हमें। एंड 10 की बात करें, 10 से DH के एरर नमाज मैच से बाहर नजर आएंगे। DDE की बात करें, DDE के इंजीनियर हमें मैच से बाहर नजर आएंगे। PSY की बात करें, तीनों के तीन प्लेयर्स हमें मैच से बाहर नजर आएंगे, बनी उमी एंड यतिक की बात करें, ये ती नजर मैच से बाहर नजर आएंगे। स्कैरी की बात करें, स्कैरी से डायरेक्ट सोल हमें मैच से बाहर नजर आएंगे। गाइज अब आप लोग आ जाओ चैट पे, अब मैं आप लोग की चैट पढ़ूंगा। अभी तक थोड़ा सा ये ग्लिच ना यार, क्राफ्टन को क्या कह दूं मैं, कसम से सही नहीं होगा कभी जिंदगी में, ऐसा लग रहा है आप तो साला पहले कुछ भी था बट एटलीस्ट चलो ग्लिच तो नहीं थे ना इतने सारे, बट अब तो यार इतने सारे ग्लिचेज आ गए, एक्सपेक्टेटिंग मोड में ही आदमी का हालत खराब हो जा रहा भाई, चल ही नहीं रहा गेम। चलिए शॉट्स दिया जा रहा था, शॉट लेने की कोशिश करना चाह रहे हैं यहाँ पे जरूर, टीम टू के प्लेयर यहाँ पे जरूर एक प्लेयर को, बट कनेक्शन के लिए फिलहाल तक नहीं मिले। चलिए भाई चलो अब चैट पे आ जाओ सब लोग फटाफट, ग्लिच सही हो चुका है, हर एक चीज़ सही है, एवरीथिंग सही हो चुका है। मैं चैट पे मौजूद हूँ अभी के लिए, चैट भी पढ़ रहा हूँ सब लोगों की, सो काफ़ी बेहतर यहाँ पे कलरफुल ग्राफिक जरूर हमें दिख रहा है। और अभी के लिए जिस तरीके से जितना बड़ा जोन है, जोन थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था, हालांकि मैप भी हमारा थोड़ा छोटा नजर आ रहा, जोन भी श्रिंक हो रहा, जोन अब एक 42 सेकंड के बाद हमारा जोन जोन का ग्लिच है बट जोन श्रिंक हो रहा है हमारा। कुछ टीमें हैं जो जोन के बाहर नजर आएंगे, मैं लाइक बात करें 90 के प्लेस XW उनके प्लेस मैच से बाहर नजर आएंगे, सॉरी जोन से बाहर नजर आएंगे। वहीं पे टीम 6 की बात करें, टीम गॉडेस के प्लेस के फाइट हो सकते हैं बिकॉज इनके सामने एक प्लेयर रहने वाला है। टीम 15 के प्लेयर्स में भी उनसे फाइट लेते हुए नहीं आ सकते, लेकिन गॉडेस की बात करें मैं क्या देख रहा हूँ, अर्ली फाइट लिया इन्होंने, 3 फिनिशेस भी इनके खाते में, इसमें से एक फिनिश हमें चीफ के पास नजर आ रहा एंड बाकी के दो फिनिश जो हमें गनशॉट की तरफ गनशॉट के खाते से आते हुए जा रहे हैं। सामने रहेंगे टीम 15 के प्लेस, यहाँ पे इनको स्पॉट कर सकते हैं, देखते हैं क्या एडीएस में आते हैं गनशॉट के, ओके आ सकते थे वहाँ पे स्पॉट किया था लेकिन नहीं। चलिए यतिन की बात करें, यतिन भी इधर यागी सॉरी राधे को नॉकआउट करते हुए नहीं रहेंगे, मैं चलूंगा राधे की तरफ, राधे को खत्म कर दिया इसी के साथ यति ने पहला फिनिश, यहाँ पे यति की तरफ से आएगा शायद देखना पाऊंगा, जी हाँ यति एक और राधे को स्पॉट किया नॉक, अरे ओके मैं यहाँ पे देख रहा थोड़ी देर पहले एक नॉक निकल के आ गया काफी बेहतरीन, यहाँ पे लॉर्ड को भी नॉकआउट किया रोको ने, यहाँ पे रोको ने काफी बेहतरीन कवर फायर है वो प्रोवाइड किया, यहाँ पे नॉकआउट किया दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही टीम्स की तरफ से एक एक प्लेयर नॉकआउट पड़े टीम 15 की बात करें। रिवाइव की तरफ बढ़ना चाहेंगे यहाँ पे लॉर्ड को, P4U लॉर्ड को रिवाइव देखे, वहाँ पे गनशॉट की बात करें गनशॉट को भी रिवाइव मिल चुका है। मिनमेल अगर बात करें बाकी के प्लेयर्स की इनके
अल्फा ओजी की बात करें, अल्फा ओजी रिवाइव की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बाकी अगर सेल्फ मेड की बात करें, सेल्फ मेड हमें थोड़ा सा पीछे रहने वाले, हायर ग्राउंड की तरफ जरूर प्रेफर करना चाहेंगे यहाँ पे सेल्फ मेड, बट टीम सिक्स के प्लेयर्स थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैंक लेते हुए नहीं जा रहे हैं। आई थिंक मुझे सिंगर सिक्स के प्लेयर्स की तरफ से यहाँ पे चीफ अभी भी एडिस ले बैठे हुए हैं, गन शॉट भी पीछे साइड जा रहे हैं। अरा ओके, अवैरल की बात करें वो थोड़ा सा फ्लैंक लेने की कोशिश करना चाह रहे हैं, अवैरल के साथ साथ अगर मैं रोको को भी देखना चाहूँ तो रोको जरूर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, थोड़ा सा रोको एंड अवैरल दोनों के दोनों ही प्लेयर यहाँ पे फॉल बैक नहीं, एक्चुअली एक फ्लैंक लेना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या स्पॉट कर पाते हैं टीम ऑफ 15 के प्लेयर्स या फिर नहीं स्पॉट होते हैं, वो चीज़ यहाँ पे देखते हैं, देखने वाली बात रहेगी जरूर। सेल्फ मेड की बात करें, व्हीकल लेके यहाँ शायद निकलने की कोशिश करना था, लेकिन सेल्फ मेड भी हमें दूसरी तरफ एक फ्लैंक लेते हुए नहीं जा रहे, देखते आखिरकार किसका फ्लैंक जो है हमें काम आने वाला। उससे पहले अल्फा ओजी की बात करें, अल्फा ओजी स्पॉट किया है, डैमेज देंगे जरूर यहाँ पे। लॉर्ड ऑलरेडी फ्लैंक कर चुके हैं, लॉर्ड स्पॉट कर सकते हैं यहाँ पे, नॉकआउट कर सकते हैं, उनके एनर्जी एडीएस में सामने नजर आ रहे हैं प्लेयर, चाहते तो कब का इजीली नॉक कर सकते थे लेकिन अभी भी इंतजार करते नजर आ रहे हैं। और ये एक सरप्राइजल अटैक जाने वाला है यहाँ पे अवायरल को, और अवायरल चालाक समझ गए उनके प्लेयर वहां पे मौजूद है, जोन आ चुका है, जोन के अंदर जाना है, कहीं ना कहीं बात करें दोनों ही टीमों को हील करने की जरूरत है। मीनवाइल अगर बात करें यहाँ पे मयंक को नॉकआउट किया, दूसरी तरफ से ओके गन शॉट की बात करें, गन शॉट को नॉकआउट किया गया शायद यहाँ पे जरूर, लेकिन अवायरल को देखना पाऊंगा, चाहूंगा यहाँ पे अवायरल की तरफ एक हाथों में ग्रेनेड में आया, 3v3 का जो सिनेरियो है वो यहाँ पे देखने मिलेगा, शायद यहाँ पे नॉक कर सकते थे लेकिन बेहतरीन ग्रेनेड का कनेक्शन देखने मिलेगा, एचपी काफी ज्यादा लो होगी, एक और ट्रेवल का इस्तेमाल किया जाता, इजिली यहाँ पे लॉर्ड को डाउन किया जाता था, लेकिन लॉर्ड एक बार फिर से हील करेंगे अपने आप को, अवायरल को चाहिए था दोनों ग्रेनेड एक साथ डालते, हील करने का मौका ही नहीं देना चाहिए आपको, हील करने एक और जस्ट एक और ग्रेनेड तुरंत इंस्टेंट एक और ग्रेनेड, हील करने का मौका ही नहीं दो बंदे को सामने वाले को, बट नहीं चलो कोई नहीं, स्कैरी की फाइट अलग चलती हुई नहीं आ रही, स्कैरी की तरफ बढ़ना चाहेंगे यहाँ पे जरूर, चलिए देखते हैं 60s के रंगबाज यहाँ पे जरूर एडीएस लिए बैठे हुए, यातीन की बात करें यातीन नॉकआउट पड़े, यातीन रिवाइव देंगे मौजूद देंगे पे, इस पर देंगे बेहतरीन नॉकआउट कर सकते हैं, जी हाँ लो एचपी काफी ज्यादा, बस एक बुलेट और ये आखिरी बुलेट यहाँ पे नॉकआउट करेंगे काफी बेहतरीन, टीम 20 की तरफ चलना चाहूंगा यहाँ पे, 20 के प्लेयर भी नॉकआउट हो चुके हैं, बात करें यहाँ पे फ्यूरियस मौजूद रहेंगे, फ्यूरियस के सामने 1v1 का सिनेरियो रह सकता है, कुनाल वर्सेस फ्यूरियस, कुनाल चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं, दो प्लेयर्स को गवा चुके हैं, दो कैजुअलिटी में स्कैरी की तरफ से देखने मिलेगी जरूर, लेकिन वहां पे बात करें गॉडेस के प्लेयर यहाँ पे नॉकआउट करते हुए यार, दूसरी तरफ हमें देखने मिल रहे हैं जून के बाहर, देखते हैं फ्यूरी यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूरी मैच से बाहर होंगे, मैं तुरंत चलना चाहूंगा गॉडेस की तरफ, देखते हैं आपका क्या, वे यार क्यों नहीं बढ़ा वहां पे, चलिए चार कैजुअलिटी एक चार फिनिशर्स इनके पास है, एक कैजुअलिटी शायद टीम मेंबर 20 की तरफ से और सॉरी 15 की तरफ से एक देखने को मिलेगी जरूर। ओके सेल्फ मेड की बात करें, सेल्फ मेड जोन के अंदर आ चुके हैं, जोन के अंदर से यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करें, बट वहाँ पे कोई प्लेयर नहीं है, बट रोको की बात करें रोको में जरूर आते हुए जा रहे हैं, रोको यहाँ पे अगर रोको कोई स्पॉट नहीं हो, देखो कि यहाँ पोजीशन पता नहीं होगी, जाहिर बात मैच से बाहर हो सकते हैं, रोको नहीं उधर मत जाओ, स्पॉट हो सकते हो, नॉकआउट हो सकते हो, अभी जस्ट साइड से पड़ेगा, रोको को इस चीज़ का पता नहीं है कि वहाँ पे कोई प्लेयर्स भी रहने वाला है। चलिए पीछे से सेल्फ मेड आ रहे हैं, नॉकआउट करेंगे, दोनों प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं, जी हाँ ओके दिखाई दे रहे हैं, डैमेज भी पड़ेगा, बट सेल्फ मेड व्हाट आर यू डूइंग, सेल्फ मेड के सामने प्लेयर्स है दोनों, अगर जरा सा उधर नजरें घुमाते तो जाहिर सी बात दोनों प्लेयर्स को नॉकआउट कर सकते थे, लेकिन सेल्फ मेड ने वो नहीं किया, वो गलती किया, चीफ भी थोड़ा सा पीछे करेंगे, फॉल बैक करने को से करना चाहेंगे, अवायरल की बात करें अवायरल भी पीछे आकर के जो उनके अंदर जाने को करना चाहेंगे, गन शॉट चारों के चार प्लेयर्स एक बार फिर से, बट गन शॉट की बात करें पकड़े जाएंगे जरूर ऑफ गार्ड, नॉकआउट किए जाएंगे, कंफर्मेशन तो अभी फिलहाल के निकल के नहीं आएगा, लेकिन आई थिंक रिवाइवल यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट चीफ वहाँ पे मौजूद रहेंगे, खड़े रहेंगे रिवाइवल के लिए, लेकिन नहीं छोड़ के जाना पड़ेगा आखिरकार, कहीं ना कहीं बात करते सेल्फ गन शॉट को, एलिमिनेशन कंफर्म है, चलिए गन शॉट ने आखिरकार सारे जो हीरिंग का सामान है वो दे दिया था, और चुपचाप वहाँ पे बैठे हुए थे जरूर, दो फर्स्ट नजर आ गई हमें रोको के पास, अवायरल की बात करें अवायरल के पास पांच फर्स्ट एड नजर आगे, चीफ की बात करें चीफ के पास हमें फर्स्ट एड नहीं है, जीरो फर्स्ट एड है, बट बैंडेजेस नौ बैंडेज नजर आएंगे मुझे देखने मिलेंगे उनके पास अभी के लिए फिलहाल। चलना चाहूंगा दूसरी टीम की तरफ, क्लोज नजर आ रही है एक दूसरे के, क्लोज हमें जरूर टीम नंबर 11 वर्सेस टीम नंबर 2 टीम डीएफएक्स वर्सेस टीम आयरन हमें देखने को मिल सकता है, आयरनी ओके आई नॉट आयरन, आयरन सीटीएक्स के प्लेयर्स हमें देखने मिल सकते हैं यहाँ पे, ओके आयरनिक नाम है उनका, एक्स तो बीच में छोटा डालना चाहिए ब्रदर, अगर बड़ा डाल देते तो लगता है कि सब एक साथ ही लिखा हो, आयरनिक एक्स छोटा रहता फिर उसके बाद नाम रहता, चलो कोई बात नहीं, चैट में हूँ लाइक तुम ही तो हो जो चैट में, और कोई तो आ नहीं रहा, पांच पांच बंदे यहाँ पे देख रहे हैं बट चैट में कोई आ नहीं रहा, गाइस क्या कर रहे हो, चैट में आने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना नहीं चाहते हो क्या, काफी अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात, कंजूसी जो है बहुत अच्छी कर रहे हो आप लोग हैं, चलो कम से कम लाइक ही कर दो यार,
चैट पे तो आए हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, चैट पे नहीं आ सकते, खाली लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो। अगर नए हो तो मेरे भाई चैट पे आ जाओ, बता दो एटलीस्ट। नया नहीं हो तब भी बता दो कौन कौन देख रहा है, मुझे भी तो पता लगना चाहिए। बट कोई नहीं, एफटी की बात करें, एफटी के प्लेयर्स की यहाँ फाइट स्टार्ट हो चुकी है, फिनिश करेंगे तीनों के तीन प्लेयर्स को। टोटल 12 टीम है, अभी भी 36 प्लेयर्स मौजूद हैं। हैशटैग 12 में तीन फिनिश इनके पास, काफ़ी बेहतरीन। बट गॉडेस की बात करें, गॉडेस के पास हमें चार फिनिश देखने मिलेंगे हैशटैग, लेकिन एक कैजुअलिटी भी में गॉडेस की तरफ से देखने मिलेगी। और जोन हमारा सिंक होने वाला जस्ट थोड़ी देर में, कुछ सेकेंड्स में, और जोन हमारा शिफ्ट होगा खाओ से आकर के सीधा ताकमो की तरफ आता हुआ जाए। पैराडाइज रिजॉर्ट जो है हमें जून के अंदर देखने को मिल रहा है अभी, मे भी हो सकता है कि लास्ट जोन जो हमारा पैराडाइज रिजॉर्ट में ही देखने को मिले। देखते हैं आखिरकार आगे क्या होता है। अगर पैराडाइज रिजॉर्ट में होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बसर मचने वाली है, वहाँ पे क्लस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने मिल सकता है। बट देखते हैं आखिरकार आगे क्या क्या होता है। टीम गॉडेस की बात करें, गॉडेस प्लेयर्स यहाँ पे जरूर टीम नंबर 12 के प्लेयर्स के साथ, टीम एफटी के साथ उनकी फाइट देखने मिल सकती है। लेकिन उससे पहले अगर ज़्यादा आगे जाते हैं तो सामने रहेगी टीम नंबर 2 के प्लेयर्स, टीम डीएफएक्स के ही तेज नज़र आ रहे हैं। बाकी सारे के चारों प्लेयर्स वहाँ मौजूद रहेंगे। दो फर्स्ट एड एक फर्स्ट एड का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। चीफ काफ़ी ज़्यादा पीछे उनके पास, आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट एड एक भी नहीं थे, बैंडेजेस थे, उसी से ही काम चला रहे हैं। यहाँ पे चीफ जो है वो जो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। चैट क्यों करूं मैं, बताओ जरा सर, तुम हो क्या? अरे भाई, अरे भाई, अरे यार एमजी, सॉरी एनजे, मुझे लगा था कोई और भी देख रहा है, पांच लोग देख रहे हैं ना। कोई बात नहीं एनजे, चलता है यार, हम समझ सकते हैं, चैट करना नहीं आता है तुमको, कोई बात नहीं। टीम गॉडेक्स क्या नाम है, आर्यन, क्या लगता है इस बार भी चिकन डिनर गॉडेक्स के खाते में जाता हुआ नजर आएगा? पिछली बार तो चिकन काफी बेहतरीन लेके था, अगर एक और चिकन डिनर लेके जाती गॉडेक्स तो पॉइंट टेबल में सबसे आगे रह गए आई थिंक मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कहीं करना चाहिए गॉडेक्स को चिकन डिनर ले जाने के लिए। और गॉडेक्स का जो एक्स है उसको छोटा रखना चाहिए ना, हालांकि यहाँ छोटा नहीं रखते, नाम ही है तो एक्स में तो अच्छी बात है, बट अगर सिर्फ गॉड नाम होता तो फिर रखते। रंगबाज की बात करें, रंगबाज यहाँ पे टीम एलवी के प्लेयर्स को जरूर हमें उनको उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चलिए रंगबाज की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके फिनिश ऑफ कर दिया, काफी बेहतरीन टीम एलवी प्लेयर्स। शॉट्स आएंगे पीछे से, उन्हें पता नहीं था, भाग के आएंगे टीम नंबर 6 के प्लेयर्स के सामने। फ्री की जो किल है वो टीम गॉडेस के पास आया, लेकिन शॉट अभी भी आएंगे टीम गॉडेस के लिए यहाँ पे जरूर। और इसके अवायरल अपने आप को बचाने की पूरी क्योंकि पीछे इनके रहेंगे टीम डीएफएक्स के प्लेयर्स। यहाँ पे देखते हैं क्या दिखाएंगे यहाँ पे। ओके हितेश मौजूद रहेंगे, हितेश के साथ चिकन फ्राई का स्प्रे जरूर आया था थोड़ी देर पहले। ध्रुव भी यहाँ पे रहेंगे, चिकन फ्राई। फ्लिकर की बात करें, फ्लिकर चारों के तरफ जून के अंदर है, शॉट्स आए थे लेकिन गॉडेस को एक बार फिर से जल्दी ही जून के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन इनके सामने टीम नंबर 20 के प्लेयर्स मौजूद रहेंगे, टीम एफटी वर्सेस टीम गॉडेस। यहाँ पे हिटमैन को नॉकआउट किया जाए, काफी बेहतर यहाँ पे रोको की तरफ से, चीफ कंफर्म करेंगे इसी के साथ। लेकिन टॉक्सिक की बात करें, टॉक्सिक एक साथ दो दो प्लेयर्स को नॉकआउट किया आई थिंक मेरे हिसाब से। जी हाँ, चीफ बचेंगे, 1v2 का सिनेरियो यहाँ पर रहने वाला, चीफ के प्लेयर सामने नजर आएंगे लेकिन साइड से पड़ेगा। और इसी के साथ टीम गॉडेस का एलिमिनेशन हमें देखने मिलेगा 11वें पायदान पर। फिनिश पॉइंट, सॉरी प्लेसमेंट पॉइंट आई थिंक मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक लेके जाएंगे, और फिनिश पॉइंट उनके पास जितना रहने वाला बस वही पॉइंट्स उनके पास नजर आएंगे। गॉडेक्स की बात करना चाहूंगा मैं, पर देखता हूँ गॉडेक्स दे रहा हूँ। ओके गॉडेक्स के पास दो दो चार एक पांच, टोटल 6 पॉइंट्स अभी के लिए लेके जाएंगे गॉडेक्स। कोई बात नहीं आर्यन, दिल छोटा नहीं करने का, कल भी मैचेस होंगे शायद आई थिंक, अगर आज के टोटल 3 ही मैचे होंगे तो फिर कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चलो चिकन ने एक निकाला, कहीं ना कहीं पॉइंट टेबल में आगे रही, क्वालिफाई कर सकती है, वो तो डिपेंड करना। लेकिन अगर बात करें चिकन फ्राई की एडिशन जरूर हमें टीम नंबर 12 के प्लेयर्स आते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं क्या चिकन फ्राई क्या कमाल दिखाते हैं। ओके नॉकआउट कर सकते हैं, प्लेयर सामने नजर आ रहे हैं इनके, बस इंतजार कर रहे हैं चिकन फ्राई कब वो। ओके पीछे आके बिल्कुल लेजर शॉट देना चाहेंगे चिकन फ्राई, नॉकआउट, कम ऑन यू कैन डू इट। अरे चले गए, कोई बात नहीं, हिटमैन आएंगे अभी, और इन्होंने ओके जेनुइन को यहाँ पे स्पॉट किया है, नॉकआउट कर सकते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आखिरकार इंतजार कर रहे चिकन फ्राई के कब हम लेजर स्प्रे दे, लेजर स्प्रे करने जाए। लेकिन उससे पहले आईजीएल का कॉल आएगा, जून के अंदर जाना मुझे भी चलना है कहीं और, पैराडाइज की बात कर रहा था, हो सकता है हमें लास्ट जोन में पैराडाइज देखने को मिले, और वही हो रहा है यहाँ पे, होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। नॉकआउट हुए थे जरूर यहाँ पे, मिलर की बात करें, मिलर नॉकआउट है, रतन की बात देंगे। लेकिन वहीं पर अगर बात करें ओबिटो को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया गया है, ओबिटो को बचाने की जरूरत है। इनके प्लेयर्स थोड़ा सा पीछे रहने वाले हैं, सामने आयरोनिक के प्लेयर्स, आयरोनिक के पास भी एक कैजुअलिटी में देखने मिलेगी। चलिए मिलर को स्पॉट कर लिया, फिर से नॉक कर सकते हैं टाइपन, व्हाट
साइफन के सामने यहाँ पे थे मिलर, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, नॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन मिलर काफी चालाक वहां से निकल के आगे चले गए। लेकिन अगर टीम नंबर थ्री के प्लेयर्स जल्दी ये फाइट नहीं लेते हैं, इनके पीछे थर्ड पार्टी अदर थर्ड पार्टी टीम डीएफएक्स के प्लेयर्स आ रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे टीम डीएफएक्स प्लेयर। सबसे पहले रसर की बात करें, रसर का बेहतरीन ग्रेनेड आएगा यहाँ पर, टाइफन को नॉकआउट किया जाएगा रसर की तरफ से, एक स्लैम मीन आता हुआ नजर आएगा रसर आगे बढ़ने को, सामने रहेंगे यहाँ पे वन वे का सिनेरियो रह सकता है यूएमटी का था, लेकिन पीछे से कवर फायर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे मिलर, देखते हैं यहाँ पे जान स्विच करेंगे, नॉकआउट करेंगे काफी बेहतरीन यहाँ पे। दोनों प्लेयर्स का जो एक कॉम्बिनेशन था काफी बेहतरीन, एक प्लेयर ने फायर किया, दूसरे प्लेयर ने फायर किया, एक प्लेयर ने फायर किया, वहाँ पे बात करें सिल्वर थ्री के एक और प्लेयर 1v1 फाइट हो सकते हैं उनके साथ, लेकिन चलिए दोनों प्लेयर पीछे से कवर फायर भी आ रहा है, टीम डीएफएक्स प्लेयर शामिल हो सकते हैं फाइट में, और इसी के साथ एलिमिनेशन होगा टीम आयरोनिक का। काफी बेहतरीन 3v3 की जो फाइट थी बेहतरीन निकाला, थोड़ा सा चूक किया यहाँ पे जरूर, लेकिन तीन और थ्री के प्लेयर्स ने काफी बेहतरीन, टोटल 5 फिनिशेस, हाईएस्ट टेक 9 तक आ चुके हैं, तीन प्लेयर्स ज्वाइन किए थे, तीनों के तीन प्लेयर्स अभी भी मौजूद रहेंगे मैच के अंदर। काफी अच्छी टीम डीएफएक्स की बात करें, थोड़ा सा लंबा यहाँ पे जो रोटेशन है उनका, लॉन्ग रोटेशन देखते हुए देखने को हमें मिल रहा है, यहाँ पे व्हीकल्स भी नहीं इनके पास, तो कहीं ना कहीं डैमेज काफी ज्यादा खाने वाले हैं। बट मैं बात करूँ हितेश की, हितेश के पास हमें 4 फर्स्ट एड नजर आ रही है, एनर्जी ड्रिंक पेन किलर भी काफी इनफ रहने वाले हैं। चिकन फ्राई की बात करें उनके पास भी 5 फर्स्ट एड, एनर्जी ड्रिंक पेन किलर इनफ, 6 फर्स्ट एड, कहीं ना कहीं लूट की मैं बात करता हूँ तो इन सब सारे ही सारे प्लेयर्स के पास एक इनफ लूट, एक डिसेंट लूट नजर आएगी हमें। सिंपल डिंपल की बात करें, सिंपल डिंपल भी मैं नॉकआउट करते हुए नजर, चलिए मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे जेनुइन की बात करें, जेनुइन बचे हैं, सिंपल डिंपल आखिरकार नॉकआउट किए जाएंगे, सिंपल डिंपल कहाँ है, वेयर आर यू, ओके सोलो मैन नहीं है, लेकिन इसी के साथ 12 के प्लेयर्स को मैं से बाहर करेंगे, 10 के प्लेयर्स एक कैजुअलिटी में देखने मिली जो कि बहुत अर्ली कैजुअलिटी थी हमें एरर के रूप में, और इसी के साथ टोटल 6 फिनिशेस 10 के पास, सारे प्लेयर्स जो बचे हुए अभी के लिए, टोटल 8 टीमें 22 प्लेयर बचे हुए, सारे के सारे टीम्स के पास हमें जो फिनिशेस है काफी बढ़िया फिनिशेस देखने मिले, तो कहीं ना कहीं शुरुआत काफी अच्छी है टीम डीएफएक्स प्लेयर्स जोन के अंदर आ चुके हैं, काफी अच्छी बात रहने वाली है। बट वहीं एफआर की बात करें, एफआर के प्लेयर्स भी अभी एक कैजुअलिटी के साथ अभी फिलहाल 0 फिनिश इनके खाते में देखने मिलेंगे, देखते हैं वो फाइट में एंगेजमेंट कब दिखाते हैं टीम एफआर। चलिए जोन श्रिंक हो चुका है हमारा एक बार फिर से पैराडाइज रिजॉर्ट के काफी ज्यादा करीब, 5वां जोन, इसके बाद 6ठा जोन, फिर 7वां, फिर 8वां, आई थिंक 6ठा जोन 7वां पहुंचते पहुंचते तो टीम एलिमिनेट हो जाएंगी, बट कोई बात नहीं। आर्यन वेयर आर यू ब्रदर, क्या कर रहे हो आप, चैट में तो आओ। आर्यन अमंगस खेलना या नहीं खेलना, आज रात में अमंगस खेलने वाले हैं हम लोग। सामने रेमेटी 5 के प्लेयर्स, यहाँ पे स्टीव की बात करें, स्टीव के हाथों में 7 ग्रेनेड है, जी हाँ देखते हैं ग्रेनेड किया जा रहा है, मे बी कनेक्शन बना सकता है स्टीव के, लेकिन स्लेयर की पोजीशन प्रीवील नहीं अभी तक, स्लेयर नॉकआउट, व्हाट स्लेयर पीछे क्यों देख रहे हैं, उनके सामने यहाँ पे स्टीव रहने वाले हैं, चाहते थोड़ी देर पहले देखते नॉकआउट कर सकते थे इजिली, बट थोड़ी सी गलती की, पीछे देखते रह गए और सामने से स्टीव आ करके चले भी गए, देखते आखिरकार स्लेयर की पोजीशन अभी तक रिवील नहीं है, कुछ कमाल दिखा सकते हैं, सरप्राइजल अटैक देने में कामयाब हो सकते हैं, देखते हैं आखिरकार वो कामयाबी कब मिलने वाली है टीम एफआर को। बट वहीं पे बात करें बीस्ट के, बीस्ट स्टीरियो हेड ही लिखा क्या, स्टीरियो ग्रेनेड करेंगे स्लेयर के लिए, और ग्रेनेड आएगा स्लेयर को, यहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ने वाला बिकॉज उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है, ग्रेनेड भी आ रहे हैं, क्रोन होंगे सामने, लेकिन शॉट्स आएंगे जरूर, स्पॉट किया गया है और नॉकआउट किया जाएगा काफी बेहतरीन इसी के साथ, प्लेयर चाहते तो पहले वो नॉक निकाल लेते लेकिन अभी खुद का फिनिश यहाँ पे गवा बैठेंगे, खुद को जरूर गवा बैठेंगे, लेकिन अभी के लिए बात करें चिकन ट्राई भी आ चुकी है यहाँ पे पीछे से आजा थर्ड पार्टी, स्टीव की बात करें स्टीव को स्पॉट किया, नॉकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, एक एम के स्प्रे, एम फोर का स्प्रे चाहते इजिली दे सकते थे बट उन्होंने एम फोर का स्विच एम फोर पे स्विच नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, वो चाहते थे इजिली नॉकआउट, लेकिन एक बार फिर से इस बार तो नॉकआउट किया जाएगा, कन्फर्म किया जाएंगे इसी के साथ, और एक और कैजुअलिटी टीम नंबर 5 की तरफ से देखने मिलेगी, कहीं ना कहीं तो एक कैजुअलिटी तीन प्लेयर के साथ ज्वाइन किए थे, क्या बोल रहा हूँ मैं कुछ भी, चलिए 20 स्टीव की बात करें यहाँ पे, स्टीव यहाँ पे जरूर अपने आप को हील करना चाहेंगे, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, शॉट्स भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं टीम 18 के जो यूट्यूब जनरल है वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, हील बटल शायद आई थिंक कर रहे हैं 16 फर्स्ट एड के साथ, ओके काफी बेहतरीन हैशटैग 5 तक लेके आए, देखते हैं जनरल कहाँ तक लेके जाएंगे अपनी टीम को, उससे पहले थोड़ी और दूर जाना चाहिए था, सिंपल डिंपल की बात करें वो भी नॉकआउट पड़े हैं, लफी बचेंगे यहाँ पे अपने टीम की तरफ से, सोलो मैन सर्वाइविंग लफी को बचना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को बचाने के लिए, लफी देखते हैं किस तरीके से अपने आप को बचा पाते हैं अपने टीम को, दोनों ही प्लेयर्स मैच से बाहर होंगे,
टोटल 5 टीमें, लेट से जाना पड़ेगा तेरे को। 10 प्लेयर्स, ओके एक और प्लेयर स्टीव को भी मैच से बाहर किया जाएगा। 20 के डोमा बचे हैं, डोमा को भी हील बैटल करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, 29 फर्स्ट एड #2 कंफर्म है, क्योंकि एक और प्लेयर यूट्यूब जनरल इनके पास फर्स्ट एड सिर्फ 10 बची है। तो कहीं ना कहीं बात करें थोमा के पास 29-27 फर्स्ट एड है, इजिली #2 आ जाएंगे यहाँ पे। चलिए तब तक मैं फाइट का देखते हैं, थोड़ी देर बाद इनको देखेंगे। #4 तक आ चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों प्लेयर्स। यूट्यूब जनरल, ओके यूट्यूब जनरल मैं से बात नहीं 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 अभी है यूट्यूब जनरल एंड बीस्ट थोमा, दोनों ही प्लेयर्स थोमा, दोनों ही प्लेयर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। #4 तक आ चुकी है, बस एक और टीम एलिमिनेट होती है, #3 तक आ जाओगे, उसके बाद बस तो यही दोनों बचेंगे, बस एक टीम 3v3 का सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला, फाइट टीम 20 वर्सेस टीम नंबर 2, क्योंकि बाकी के दो प्लेयर्स हील बैटल कर रहे हैं। काफी बेहतरीन, यही हमें चीज देखना रहता है। और मैं YouTube जनरल के थोड़ा सा बुरा लगने वाला, बिकॉज उनके पास फर्स्ट एज कम रहने वाली है, #4 पर साथ हो सकता है अलविदा कहना पड़े, बिकॉज ये दोनों टीमें आपस में फाइट तो नहीं लेने वाली इतना जल्दी, इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होने वाली। तो कहीं ना कहीं बात करूँ #2 जो है बीस्ट थोमा का हमें देखने मिल सकता है, 20 फर्स्ट एड अभी भी इनके पास है। बीस्ट थोमा प्लीज कोई गलती मत करना, हील बैटल ताकि आपका कामयाब हो जाए। YouTube जनरल को अब शायद यहाँ पर जी हाँ अलविदा कहना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कोई बात नहीं, YouTube जनरल काफी अच्छा आपने कोशिश किया। ओ माय, ओके मेडिकेट नहीं हो पाएगा, मेडिकेट सबसे पहले यूज करना चाहिए था। कमोन 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 नहीं हो पाएगा, मुझे लग ही रहा था मेडिकेट नहीं हो पाता। कॉन्ग्रेचुलेशन बीस्ट थोमा, #3 तक आ चुके हो आप, चलो जोन के अंदर और आप फाइट होगी यहाँ पे जरूर। 3v3 का सिनेरियो और ध्रुव नॉकआउट हुए, चिकन फ्राई के ध्रुव नॉकआउट हो चुके हैं। चिकन फ्राई यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं, हो सकता है #2 पर आएंगे, जाहिर सी बात है इजीली चिकन फ्राई के दो प्लेयर्स नॉकआउट हो चुके। चिकन फ्राई एक जो है उनको स्पॉट नहीं किया अभी के लिए, एक दो फर्स्ट एड आखिरी स्पॉट कर सकते हैं रंगबाज को, रंगबाज चाहे तो चिकन फ्राई को स्पॉट कर सकते, लेकिन रंगबाज अपनी नजरें अभी तक चिकन फ्राई तक नहीं आई है। और अब आ जाएंगे यहाँ पे आखिरी फर्स्ट एड यूज करके इन्हें फाइट लेना ही पड़ेगा। रंगबाज एक प्लेयर के स्पॉट करने आगे बढ़ना चाहिए, ग्रेनेड आएगा यहाँ पे जरूर नॉकआउट कर सकते हैं कहीं ना कहीं प्लेयर को, लेकिन बैर से बाहर होना पड़ सकता है। ओके फिनिश नहीं देंगे, काफी चालाक है, इन्हें पता है एक फिनिश भी मायने रखता बहुत ज्यादा। और इसी के साथ #2 तक आ चुके हैं यूट्यूब बीस्ट थोमा, 9 फर्स्ट एड के पास अभी भी, अब #1 आना है क्या? अरे भाई कोई बात नहीं, 29 फर्स्ट एड इनके पास, और मैंने थोड़ी देर से देखा मतलब उनके पास कहीं ना कहीं मैं बात करूँ 30-35 फर्स्ट एड रही होंगी जरूर। टीम 20 के प्लेयर्स यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होंगे, वेयर इज द लास्ट एनिमी, वेयर इज द लास्ट एनिमी, 1v2 का जो सिनेरियो मिलेगा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान होंगे। अरे यार कहाँ है, ढूंढो 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 यूट्यूब थोमा, कम ऑन यू कैन डू इट। 5 फर्स्ट एड, अरे नहीं यार फर्स्ट एड नहीं मिली शायद इनको, गलती मत करना गलती मत करना, नहीं 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 नहीं, चलो चलो कोई 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 बात नहीं, कम ऑन 4 फर्स्ट एड, एक्चुअली 2 तक तो आ चुके इजिली, फाइट नहीं हो रही समझ जाना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन यू बीस्ट थोमा, हील बैटल काम आया, काफी बेहतरीन यहाँ पे #2 तक लेके आए। फर्स्ट एड होनी चाहिए इतनी सारी पहले से, फर्स्ट एड अगर हील बैटल करना है तो आपके पास वो फर्स्ट एड होनी चाहिए। #1 पर भी आ सकते हैं, लेकिन कहने की दोनों प्लेयर्स रहने वाले हैं जो उससे डैमेज खाते हुए जाएंगे। एक आखिरी फर्स्ट एड, कम ऑन, अगर 1v2 जाता ना तो काफी है, मजा आ जाता कसम से। वो स्पॉट हो रहे, नॉकआउट कर सकते प्लेयर को, तो इसलिए नॉकआउट कर ही देंगे, लेकिन नहीं चलो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया यहाँ पे थोमा ने, थोमा ही लिखा है ना गाइस, अगर मैं गलत नाम पढ़ू तो कोई बात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम 60 एस फॉर दिस ब्यूटीफुल विनर विनर चिकन डिनर, 5-5-10-2-12 फिनिश के साथ। बट ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन बीस्ट थोमा, जिन्होंने टीम बीस्ट जिन्होंने काफी बेहतरीन यहाँ पे हील बैटल किया, काफी बेहतरीन कोशिश काबिले तारीफ किया इन्होंने। सो गाइज ये था आज का हमारा आखिरी मैच, आई थिंक मेरे हिसाब से 3 ही मैच थे आज सेमीफाइनल्स के, और ये रहा रिजल्ट, इससे ले लिया जाए। थोड़ी देर पहले रिजल्ट था उसका भी, 11 तक हो गए ये, 12 से लेकर के 15 तक हो गए, और ये 16वां। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी कास्टिंग पसंद आएगी, और मेरे भाई जो लोग देख नहीं रहे थे उनको बुलाया जाए, रिवाइंड करके स्ट्रीम देखा जाए, आप लोग देखो स्ट्रीम को रिवाइंड करके। और नए हो चैनल पर मेरे भाई तो प्लीज ऐसे मत जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, हमें भी सपोर्ट चाहिए ना, और बाकी के मैचेस भी इसी पे होने वाले हैं। सो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया, स्ट्रीम को लाइक कर देना यार, अभी फिलहाल कितने लाइक हो चुके मैं देखना चाहूंगा एक बार, होल्ड अ सेकंड, 16 लाइक्स हो चुके, मैं चाहता हूँ 20 लाइक्स हो जाए, सब्सक्राइब भी कर देना, 1.33 है, 1.34 हो जाए वहां पे। और बस इसके बाद ओवरऑल एमवीपी की तरफ मैं चलना चाहूंगा, जरूर देखता हूँ यहाँ पे कौन निकल के आता है, रंगबाज निकल के आते हैं जिन्होंने 5 फिनिश किए 918 डैमेज के साथ। बेस्ट कंपेनियन की बात करें तो चीफ निकल के आते हैं गॉडेस के, जिन्होंने 3 रिवाइव दिए हैं, असिस्ट तो नहीं है बट रिवाइवल दिए हैं उन्होंने जरूर।
सो गाइस बस आज का सफर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं अगले मैचेस में बाकी के दिनों में। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय।